सो दिस इज योर लेक्चर वन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जो भी आप समाधान बैच में एनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप आपस में कर लेते हैं। मेरा नाम अमन गुलिया है एंड आई डिड अपियर फॉर द सीएपीएफ इंटरव्यू इन 2019, ओके। एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आई हैव डन मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। करंटली आई एम डूइंग एमए इन ज्योग्राफी, राइट। सो दिस इज माई बैकग्राउंड। और थोड़ा सा इसको और एंगेजिंग बनाने के लिए कैन वी टॉक, कैन वी नो अबाउट यू? थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ा सेशन फ्रूटफुल हो जाएगा। काफी चीजें शेयर करनी है क्योंकि ये एक महीने से भी ज्यादा हमारी क्लासेस चलेंगी, है ना। शेड्यूल हमारा बहुत टाइट रहेगा, सीएपीएफ में बहुत कम दिन है, तो एक महीना हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी। तो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए, उसके हिसाब से हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। सो विनय, स्टार्टिंग विद यू। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज विनय श्रीवास्तव। एट प्रेजेंट आई एम सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ पोस्टेड इन वेस्ट बंगाल एंड प्रिपेयरिंग फॉर डायरेक्ट एंट्री असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन टू हाइटन माय rank by at least I think 15 years jump in direct exactly by promotion. I think I will in after 15 years as a आपको बहुत अच्छा promotion इसमें मिलेगा क्योंकि ये एक direct entry है, ठीक है। officer आपने life देखी होगी, you are in services, ठीक है, तो इससे अच्छी entry कोई नहीं है। I think ये आपका last chance होगा। yes sir, ओके। तो लास्ट की तरह ही आपको इसमें करना है, तो ठीक है दिव्यांशु। गुड इवनिंग सर। सर मैं आई एम करंटली सर मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, यही सीपीएफ और सीडीएस पेपर। ओके ओके, दिव्यांशु सिर्फ अपना नाम बताइए, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड एंड द प्लेस यू बिलोंग, राइट, बस इतना। सर कानपुर से। कानपुर से आप, ठीक है। सर बी सर बीए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके थैंक यू। यस सर। रोशन, रोशन इज हियर। ओके आदर्श, कैन यू? आदर्श कैन यू हियर मी? अंकित, यस। हेलो सर। हेलो अंकित, आई थिंक यू आर फ्रॉम उत्तराखंड ना, राइट? यस सर। ओके, तो बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, उत्तराखंड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? सर आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बताइए अपने बारे में कुछ। तो सर आई एम अंकित एंड आई हैव डन नॉर्मल बीएससी एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड सर। ओके, तो जहां तक मुझे पता है आपका थोड़ा बैकग्राउंड है, डिफेंस से भी है और आप सीडीएस में भी काफी एक्टिवली आपने एग्जाम दिए है ना। यस सर, पिछली बार हुआ था क्लियर सर और इस बार भी दे रखा है, देखो होप फॉर द बेस्ट हो जाएगा। ओके मोहित, मोहित कैन यू हियर मी? ओके प्लीज, सागर इज आल्सो कनेक्टिंग, तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन हम लोग। देखिए सीएपीएफ एग्जाम में सबको पता है आपका 200 मार्क्स का होने वाला है पेपर टू, और उसके अंदर जो आपके एसे राइटिंग आएंगे वो 80 मार्क्स के। और पैटर्न देखे तो हम लास्ट कुछ साल से आपका इंटरनल सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन फंस रहा है, मिनिमम एक क्वेश्चन, और उससे ज्यादा भी आपको मिल रहे हैं, दो दो क्वेश्चन मिल रहे हैं कई बार तो, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको देखने हैं, दीज आर द की वर्ड्स। एक तो ये है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो आपका रोल ऑफ एक बार पूछा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और सोशल रिफॉर्मर्स का रोल इन, ठीक है, इस तरह से आपके रोल पूछते हैं। रोल ऑफ इंडियन आर्मी नेशन बिल्डिंग, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करनी है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि सारा लेक्चर इसी पे घूमेगा। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी अगर आपकी बढ़िया है, जैसे सर्विस कैंडिडेट है इसमें हमारे साथ बिने, तो उनको तो पता होगा नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी बीएसएफ पे क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो ही इज वेरी मच अवेयर, राइट। तो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी आपका देखिए पेपर टू में आता है, कम से कम ये 20 मार्क्स का वेटेज रखता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो आपको कहीं पे ये नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी में डिजास्टर मैनेजमेंट पे रिपोर्ट पूछ सकता है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में पूछ सकता है, और आपका एसी राइटिंग में। तो 20 मार्क्स का इसका वेटेज कम से कम है 200 में से, ठीक है। और
इंटरनल सिक्योरिटी आपका इंटरव्यू के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ पूछ लेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि आपकी जॉब प्रोफाइल इस तरह की है, आपसे एक्सपेक्टेड है कि इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू सभी आपके स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। और तो काफी इंटरव्यू में हम देखते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी पूछते भी नहीं, ठीक है। तो ये है ट्रेंड इंटरनल सिक्योरिटी नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। जैसे 2021 में आया था इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडियाज सिक्योरिटी, राइट। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इन्फिल्ट्रेशन बिड बहुत ज्यादा थी 2021 में, जब 370 हटा उसके बाद से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद पूछा एमर्जिंग थ्रेट्स, ठीक है। अगर कोई माइक अपना ओपन है तो बंद कीजिएगा, विनय मैं आपका माइक बंद कर रहा हूँ, इफ यू वांट टू स्पीक तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, ओके। तो दूसरा है एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि आज का पैराडाइम देखे तो पहले जो कन्वेंशनल वारफेयर होते थे, जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, वो सब चेंज हो चुकी है। बीएसएफ में पता होगा आपको, ड्रोन इज अ न्यू थ्रेट, सबसे बड़ा थ्रेट आज के टाइम में ड्रोन है। इन्फिल्ट्रेशन आपको फिजिकली करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कुछ माल लेके आ रहे हैं आपको पाकिस्तान से इंडिया पहुंचाना है, तो नाउ ड्रोन हैज बिकम अ न्यू मीडियम। ड्रोन के थ्रू यू कैन सप्लाई एम्यूनेशन, आर्म्स, आईडी, बहुत सारी चीजें आप ड्रोन के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज एमर्जिंग थ्रेट। कश्मीर में जो हुआ था, एक एयरफोर्स स्टेशन था, वहां पे भी ड्रोन के थ्रू अटैक हुआ, दैट इज ऑल्सो। सऊदी अरेबिया में ऑयल जो रिफाइनरी है वहां पे अटैक हुआ ड्रोन के थ्रू, ठीक है। इसराइल के जो न्यूक्लियर, इसराइल कह रहा हूँ, ईरान के न्यूक्लियर जो उनका पावर प्लांट था, वहां पे ड्रोन के थ्रू। सो इंटरनल सिक्योरिटी में ड्रोन इज बिकम अ मेजर थ्रेट नाउअडेज। और सीआईएसएफ में तो बेसिकली इसके लिए बहुत ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग भी मिल रही है सीआईएसएफ में, क्योंकि सीआईएसएफ के सारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं जो उनको गार्ड करते हैं, तो ड्रोन शूट आउट करना ये सब वो है। तो एमर्जिंग थ्रेट, इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, हम अभी डिस्कस करेंगे इसका मॉडल आंसर, क्या आपको इसमें लिखना चाहिए था। उसके बाद सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर, देखिए इनडायरेक्टली आपका बॉर्डर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। बॉर्डर मैनेजमेंट आपका एक तो लैंड बॉर्डर, एक एयर बॉर्डर, एक मैरिटाइम बॉर्डर होता है, तीनों बॉर्डर आपको पूरे क्लियर होने चाहिए, किस किस देश के साथ हम बाउंड्री बनाते हैं। अब इसमें पूछा है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप अप्रोच करें तो उसमें आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। कीवर्ड, जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, कीवर्ड क्या है, इन्फिल्ट्रेटर। सेकंड इज अ थ्रेट टू इंडिया, दो कीवर्ड है इसमें, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इन्फिल्ट्रेटर। तो इन्फिल्ट्रेटर अगर आता है तो इन्फिल्ट्रेटर आने से क्या हमारे जो आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंडिया सिक्योरिटी पे क्या खतरा है, वो कोरिलेट करना है। पूरे ऐसे में यही चलेगा, कोई इंसिडेंट हुआ तो वो बताना है आपको, जो कि इन्फिल्ट्रेटर आने से, क्योंकि हमने देखा है जे एंड के मिलिटेंसी वहां पे इन्फिल्ट्रेशन के बाद ही सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आउटसाइडर वहां पे आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होता है, और मिलिटेंसी जैसी सिचुएशन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है। पंजाब में जब 1984 के टाइम जब पंजाब मिलिटेंसी हुई थी, वो भी आउटसाइड फोर्सेस का सपोर्ट था उसमें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो इसमें जो आपके कीवर्ड है, कीवर्ड को मत छोड़िएगा, कीवर्ड अगर आपने छोड़ दिया तो आपके मार्क्स इसमें नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि आप इससे कुछ ना कुछ अलग ही लिखेंगे। कीवर्ड ध्यान में रहेगा तो कभी भी आप इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देंगे। सेकंड है जो एमर्जिंग थ्रेट्स, इसमें दो टाइप के थ्रेट्स हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन है आपका नॉन कन्वेंशनल थ्रेट जो अभी राइज हो रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी, और सिविल सोसाइटी हैज नाउ बिकम दिस जो काफी जो सिविल सोसाइटी, अजीत दोवाल जी ने बोला था कि सिविल सोसाइटी में अगर डिसअफेक्शन है, डिसएंजेंटमेंट है, सो ये भी हमारे लिए थ्रेट बन सकता है। सो दीज आर नाउ बिकम एमर्जिंग थ्रेट्स, बायोकेमिकल या फिर COVID-19 को भी आजकल कुछ बोल रहे हैं कि एमर्जिंग थ्रेट टाइप है, तो इस पे आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए था, ठीक है। तो हमारी क्लास किस डायरेक्शन में होगी, देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दो चीजें हैं हमारे पास, या तो हम कन्वेंशनल नॉलेज में आपके साथ शेयर करूँ, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा जिसमें हम शेयर करेंगे, जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड रोल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन टुडेज वर्ल्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बोरिंग लेक्चर, ठीक है। हर एक चीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंडर आता है, ठीक है। दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, उसका कोस्टल सिक्योरिटी जो आपको बॉर्डर मैनेजमेंट का है। उसके बाद देखें तो रोल ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया हैज नाउ बिकम अ थ्रेट, ठीक है। सोशल मीडिया पे जैसे हेट स्पीचेस आपको मिलेंगे, ढेर सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया को आपको प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर आपको करनी है सीएपीएफ एग्जाम के लिए, तो ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी होगी। फर्स्ट इज टेररिज्म, नाउअडेज प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो स्पीकिंग ऑन टेररिज्म, अवर होम मिनिस्टर इज ऑल्सो स्पीकिंग ऑन टेररिज्म,
ठीक है, उनका आज और कल का बयान देखेंगे। जो टेररिज्म है और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हैज बिकम अ थ्रेट टू द ह्यूमन राइट्स, राइट, सबसे बड़ा थ्रेट वही है ह्यूमन राइट्स के लिए। और एक क्वेश्चन भी आपका पूछा था, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ए ह्यूमन राइट, तो टेररिज्म पे भी क्या ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है थोड़ा सा इधर उधर से। तो इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर क्या क्या करना है, टेररिज्म, नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ हुआ है अभी हाल के एक डेढ़ महीने में, आफ्सपा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आज भी एक न्यूज थी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है NSCN जो वहां पे इंसर्जेंट्स ग्रुप है उसके बीच, और जो हमारा इंटरलोक्यूटर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया है, जो दोनों टेररिस्ट जिस जो आपके इंसर्जेंट ग्रुप है इनके साथ बातचीत करने के लिए, तो वो एक अग्रीमेंट पे आ गए धीरे धीरे। तो नॉर्मलसी लाने के लिए वहां पे नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या हो रहा है ये सब पता होना चाहिए। आफ्सपा हटने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, एक बड़ा डिजास्टर हुआ था जैसे बोस्ट, एक आर्मी का ऑपरेशन था, 21 पैरा एसएफ इन्वॉल्व थी उसमें नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में, तो वो उस पर एक रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछी जा सकती है, वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। आफ्सपा हटने से क्या चेंजेस आएंगे नॉर्थ ईस्ट में, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है आपका। उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे चांसेस इस बार कम है क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इस बार हो चुकी है, तो पैराडाइम में नहीं है मनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंडर जैसे जैसे एक शाहरुख खान का लड़का जिसमें था वो अरेस्ट हुआ था इन जो ड्रग्स से रिलेटेड कोई केस था, तो ऑर्गेनाइज क्राइम वहां से कनेक्ट करके आपको पूछ सकते हैं कि यूथ हैज नाउ बिकम एडिक्टेड टू द दिस नार्कोटिक सब्सटेंसेस या फिर एडिक्टेड टू द दिस सब्सटेंसेस, तो इस पे आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा ऑर्गेनाइज क्राइम पे, लेकिन जो सोशल इश्यूज हो रहे हैं हमारे यहाँ पे जो इश्यूज हैं उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो ड्रग हैज नाउ बिकम अ न्यू थ्रेट, ठीक है, यंगस्टर्स इसके लिए इसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं और एडिक्टेड हो रहे हैं, एक ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है इस हिसाब से। तीसरा है साइबर सिक्योरिटी। देखो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम देखें इस पे अगर क्वेश्चन बने तो आपका एक तो वो बन सकता है कि एकदम कंप्लीटली ब्लैकआउट हुआ था, जैसे हम देखें तो हमारा साउथ इंडिया के अंडर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था उस पे साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ था 2019 में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट अटैक था। उसके बाद अगर देखें तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा पूरा डाउन हो सकता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट भी कई बार डाउन हुई है, और सेंसिटिव क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हैं उनको अगर कोई हाईजैक कर ले, साबोटाज जैसी कोई सिचुएशन हो जाए तो वो साइबर सिक्योरिटी के अंडर आपका आता है। आज तक CAPF एग्जाम में साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन जो UPSC का फेवरेट है आपका CAPF एग्जाम में वो है बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट के अंडर जैसे आपका कोस्टल सिक्योरिटी या मैरिटाइम सिक्योरिटी, इस पे चांसेस है कुछ ना कुछ पूछने के, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट पे तो पूछ लिया एक बार। J&K मिलिटेंसी दिस टाइम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि मिलिटेंसी अब हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में पहले पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थी, आज भी है, पहले भी थी, लेकिन nowadays we are witnessing a new phase in जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी। किस लिए? क्योंकि वहां पे होम ग्रोन मिलिटेंसी वी आर सीइंग नाउअडेज, होम ग्रोन मिलिटेंसी यहाँ पे उन्हीं का सपोर्ट मिल रहा है जो वहां के आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, और उनके अगेंस्ट वी कैन नॉट कैरी आउट ऑपरेशंस, राइट, हमारे ही लोग, हम उनके लिए ऑपरेशन कैरी आउट नहीं कर सकते। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन भी है, ऑपरेशन क्लियर आउट, ठीक है, ये सब ऑपरेशन है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है अगर होम ग्राउंड मिलिटेंसी होती है आफ्टर द बुरहान वानी जो उनका एनकाउंटर हुआ था जैश मोहम्मद का जो लीडर था, उसके बाद से ये जो रिक्रूटमेंट है यूथ की इस तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी इज एन इम्पोर्टेंट, कल भी मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें मैंने आई हैव गिवन द फ्रेमवर्क, जम्मू एंड कश्मीर पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 370 से रिलेटेड हो और वहाँ की पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट 2 साल से बहुत कुछ हुआ है, 370 हटा है वहाँ पे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का यूज हुआ है, नजरबंद किए गए हैं पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, 335A को हटाया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर इज अ इम्पोर्टेंट दिस टाइम एंड नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट इज नीड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। देखिए थोड़ा सा हाई फाई टॉपिक है, शायद आपसे ना पूछे क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है उसके अंडर ये कंप्लीट
ओवरहॉल ऑफ द सिस्टम की डिमांड है कि हम पूरा रीलुक करें हमारी इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो आज के टाइम में है। ठीक है, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये जब लोग बैठते हैं तो इस पे बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हमारी क्या रहनी चाहिए। तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कैंडिडेट अगर इस पे लिखे, और मुझे लगता भी नहीं आएगा। तो एक और डेफिनेशन है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कि टेररिज्म की कोई परिभाषा नहीं है, स्टैंडर्ड परिभाषा। ठीक है, तो इस पे इंडिया ने ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन मूव किया था यूनाइटेड नेशंस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक डेफिनेशन नहीं है जो एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सली। सेकंड इज इलीगल माइग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन जैसे इन्फिल्ट्रेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन इज अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। तो इन्फिल्ट्रेशन हमारे यहाँ पे कहाँ से हो रही है? बांग्लादेश से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, म्यांमार से हो रही है। ठीक है, और इन्फिल्ट्रेशन जैसे 26/11 हुआ था, तो वहां से भी सी से भी हमारी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। अब श्रीलंका एक नया चैलेंज बन गया हमारे लिए। ठीक है, श्रीलंका में अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, तो वहां से काफी लोग वहां से भाग रहे हैं और इंडिया में घुस रहे हैं, तो वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही है नाउ इट हैज बिकम अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। रोहिंग्या जैसा इश्यूज था, जो वहां पे एक इंटरनल क्राइसिस था, ठीक है, एक सिविल वॉर हुआ था म्यांमार में, उसके बाद रोहिंग्या फ्लेड दैट कंट्री और वो इंडिया में जाके बस गए, और उनको काफी जो काफी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में बसाया गया। आई डोंट नो व्हाई, पर देखेंगे आप, जम्मू एंड कश्मीर में उनको जगह दी गई है रहने के लिए और रेफ्यूजी कैंप्स भी बनाए गए हैं। तो नाउ दे हैव बिकम अ थ्रेट टू अवर इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि उनको रिक्रूट कर सकते हैं लोग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे कैन रिक्रूट, क्योंकि वे ऑलरेडी डिप्राइव्ड है, अनएम्प्लॉयड है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनको पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो एक जो फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, अगर यूथ डिसएंटेंटेड है, उसको पैसे चाहिए, तो दैट कैन बी इजिली हायर और एक बड़ा विक्टिम बन सकता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एजेंसीज एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज का ये क्वेश्चन है, और जैसे CISF LDCE में एग्जाम में पूछा था, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस आर वाइटल टू द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो ये क्वेश्चन रीफ्रेज करके शायद आपके CFF एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के अंडर नॉट ओनली द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बट द सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर योर IB, RAW, ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज, NTRO, ठीक है, डिजिटल इंटेलिजेंस जो गैदर करती है, और उसके अंडर जैसे आपकी स्टेट पुलिस, ये भी सिक्योरिटी एजेंसीज में आ सकती है सब आपकी। एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है हमारे पास? सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें आज के टाइम में, एक CCTNS है, ठीक है, क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम, वो अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, कुछ हद तक उस पर काम किया गया है CCTNS, जिसमें क्या होता है, थ्रू आउट इंडिया अगर कोई भी किसी स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई क्राइम कैरिड आउट हुआ है और वो हीनियस क्राइम है, तो वो हीनियस क्राइम और जिसने वो कैरिड आउट किया है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड थ्रू आउट द कंट्री, और ये इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा, और उस इंटीग्रेटेड नेटवर्क के अंडर कोई भी इंफॉर्मेशन आप दूसरी स्टेट पुलिस को देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। तो ये इतना इंटीग्रेटेड है, क्योंकि जो 26/11 अटैक हुआ उसके बाद से हमने देखा है कि दैट वॉज अ कंप्लीट लैक ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं थे हमारे पास, कुछ इंटेल थी हमारे पास, बट वी डू नॉट हैव द एक्शनेबल इंटेलिजेंस। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी का हम हेल्प ले सके, क्योंकि CFF एग्जाम में आपसे 2011 में पूछा था एक क्वेश्चन के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग था, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन काउंटरिंग द थ्रेट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपसे। ठीक है, तो इन न्यू टेक्नोलॉजी का आप किस तरह से एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को बेटर करने के लिए, अगर यहाँ नहीं पूछा तो इंटरव्यू में पूछ लेंगे अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो टेररिज्म की डेफिनेशन है, मैं आई विल शेयर दिस PDF विद यू। तो इसमें मीनिंग है, सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, व्हाट इज टेररिज्म। आई थिंक सबने पढ़ी है इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार, IPS अशोक कुमार, उन्होंने लिखा है, और ये सब चीजें जो मैंने अपने प्रिपरेशन फेज में तैयार की थी, तो वहां से भी मैंने कुछ एक उठाया है, और ये मेरे पर्सनल इनपुट भी है इस चीज में। तो आई विल शेयर दिस PDF विद यू। ठीक है, और शायद ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, परसेप्शन प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, जैसे भगत सिंह एंड उद्धम सिंह। ठीक है, क्योंकि टेररिज्म, मैंने बोला था, टेररिज्म की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ऑल्दो द डेफिनेशन इज अ सिस्टमैटिक यूज ऑफ वायलेंट एक्ट।
टेररिज्म हमेशा एक सिस्टमेटिक होता है, इट इज नॉट एन अब्रप्ट कि ये पता लगा चलते चलते कुछ बंदूक चला दिया फिर कुछ डाल दिया. इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेटेजिक. सर आई एम नॉट अनेबल टू हियर. ओके 0462 हु इज दिस? अच्छा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही. एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड? वॉइस इज नॉट कमिंग. सागर कैन यू हियर मी? यस सर, हमें तो आ रही है सर. ओके यस यस सर, एब्सोल्युटली इट इज क्लियर, इट इज अवर्ड ऑडिबल. जो बता रहा हूं मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आई कैन रिड्यूस डाउन द पेस. ओके यस सर, यस सर आ रहा है, सर आ रहा है, आ रहा है ना. ठीक है, तो टेररिज्म देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन, आप कुछ भी बीच में मुझे रोक के पूछ सकते हैं. कुछ भी ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ कोचिंग, कुछ कोचिंग नहीं है. हम बड़े भाई छोटे भाई सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, कोई क्या प्रॉब्लम है इस एग्जाम को कैसे हैंडल करना है आराम से पूछिए मुझे. यू कैन रेज हैंड इन द चैट सेक्शन. ठीक है, वहां से आप रेज हैंड कर सकते हैं. आई विल टेक द क्वेश्चन. कुछ नहीं ऐसा हवा मत बनाइए सीएपीएफ एग्जाम का. अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे इसको तरीके से, ये बेसिक सीख लेंगे और प्रेजेंटेशन सीख लेंगे, तो सीएपीएफ एग्जाम इतना मुश्किल भी नहीं है. रवि से आपकी इंट्रोडक्शन हुई थी. ठीक है, तो 52% ही गॉट इन बीए, 52% इंग्लिश में, उसमें बीए ऑनर्स में यार. उसके बाद उन्होंने क्रैक किया, तो उनकी डेडिकेशन, दिस इज सोल डेडिकेशन यू नीड टू रिक्वायर टू क्रैक दिस सीएपीएफ एग्जाम. चलो कमिंग बैक, टेररिज्म स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बल हालांकि एक चलती फुरती एक डेफिनेशन है जिसमें बोला है कि सिस्टमैटिक एक्ट है, कोई भी अब्रप्ट नहीं होता इसमें. जैसे पुलवामा लाइक अटैक डिजाइन था, पठानकोट लाइक अटैक डिजाइन था, 26/11 डिजाइन था. उनके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं टेररिज्म में हमेशा. नक्सलिज्म जो है वो जो सिस्टमैटिक नहीं है, वो कुछ भी कहीं भी कर देते हैं. ठीक है, उनके कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो है थोड़े बहुत, लेकिन इतना सिस्टमैटिक नहीं है. जैसे उनको एक्सटर्नल एड नहीं है, जैसे पाकिस्तान में एक्सटर्नल, पाकिस्तान एक्सटर्नल एड देता है टेररिस्ट को, तो नक्सलिज्म के पास इतना नहीं है. इसके बाद देखें तो इनका ऑब्जेक्टिव है टेररिस्ट का क्रिएटिंग टेरर, राइट, फियर साइकोसिस, जितना ज्यादा फियर पहुंचा सके सोसाइटी में, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है. एंड द अथॉरिटी इन ऑर्डर टू अचीव दम पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कौन से, अगर हम बात करें टेररिज्म के अंडर उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू गैदर और टू अचीव द कश्मीर. उनको ये चाहिए कि कश्मीर हमें मिल जाए, दैट इज द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. दूसरा आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल हो सकता है कि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हो सकता है कोई, वो कह सकता है कि दिस पर्टिकुलर रिलीजन ये सबसे सुपीरियर है, दैट इज यू कैन कंसिडर आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस. ठीक है, एंड दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. ये और हम डिफरेंस देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड नक्सलिज्म. नक्सलिज्म में क्या है, नक्सलिज्म में आपको फियर नहीं पहुंचाना, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग है, उनको उनके सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है. पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बोले तो उनको जैसे एक सेपरेट वो चाहिए, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उनको, जैसे लैंड जो हमारे जो बोलते हैं उसको, जो लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए थे वहां पे, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था नक्सलाइट्स के साथ, तो बोलते हैं कि अब हम अलाउड नहीं करेंगे यहाँ पे उन लोगों का, आउटसाइडर का यहाँ पे आना. तो वो दे वांट मोर ऑटोनॉमी इन देयर एरिया, दैट्स दैट इज अ नक्सलिज्म. और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो और भी डिफरेंट है. तो तीनों में आपको क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए. टेररिज्म, नक्सलिज्म क्या ऑब्जेक्टिव है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, नक्सलिज्म और एक्सट्रीमिज्म एक ही है. क्योंकि नक्सलिज्म हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हम ऑफिशियली उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड माओज्म. उसके बाद देखें तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी. ठीक है, अब देखें तो इंसर्जेंसी में आपका हमेशा पीपल, जो वहां पे लोकल पीपल है उनका सपोर्ट रहता है, वो होती है आपकी इंसर्जेंसी. ठीक है, इंसर्जेंसी उसी को बोलते हैं जब आपको लोकल पीपल का सपोर्ट रहता है, उसको बोलते हैं हम इंसर्जेंसी. लेकिन मिलिटेंसी इज डिफरेंट. मिलिटेंसी में जैसे कुछ हीरोइक एक दो बंदा ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ फियर इन द सोसाइटी, वो आपकी मिलिटेंसी है. जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी भी बोलते हैं और इंसर्जेंसी भी बोलते हैं. लेकिन इंसर्जेंसी में आपको पीपल सपोर्ट होता है, मिलिटेंसी में आपको पीपल्स का सपोर्ट नहीं होता, ये डिफरेंस होता है. ठीक है, ओके. तो ये हम टेररिज्म डिस्कस कर लिया. जैसे एक टेररिज्म का परसेप्शन भी है, परसेप्शन प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारे लिए कोई टेररिस्ट है दूसरे के लिए फ्रीडम फाइटर है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बुरहान वानी. तो जो बुरहान वानी है ही इज अ फ्रीडम फाइटर फॉर सम पीपल
ऑफ कश्मीर, ठीक है, जो रेडिकलाइज हो चुके हैं उनके लिए वो एक फ्रीडम फाइटर है, लेकिन इंडिया के लिए वो क्या है, टेररिस्ट है, ठीक है। अब हम भगत सिंह की बात करें और उधम सिंह की बात करें, ही इज अ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए क्या था, वो टेररिस्ट था, उनका वो एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे, टेररिस्ट आउटफिट बोलते थे। सो इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। बुरान वानी को देख लीजिए आप, और प्रभाकरण को देख लीजिए, जो लिट्टे श्रीलंका में जो ऑर्गेनाइजेशन थी प्रभाकरण, उन्होंने ऑपरेट किया था तमिलियन को, मतलब लिबरेट करने के लिए, ठीक है, तो वो तमिलियन के लिए ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, बट फॉर द श्रीलंकन गवर्नमेंट ही वॉज अ टेररिस्ट, और इसको बाद में प्रभाकरण को मार भी दिया गया था, ठीक है। सो द आइडियोलॉजिकल एंड क्या हो सकता है, कम्युनिज्म, हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये आइडियोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक की आइडियोलॉजी अलग अलग है, कम्युनिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कार्ल मार्क्स जस्टिफाई द यूज ऑफ फोर्स। देखिए आपका CAPF में एक क्वेश्चन आया था, द पावर फ्लोस थ्रू द बैरल ऑफ द गन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग में पूछा था, द पावर फ्लोस थ्रू द बैरल ऑफ द गन, तो ये इट्स अ कोर आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी पे आपका क्वेश्चन पूछा था CAPF एग्जाम में, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने ही बोला था ये, द पावर फ्लोस थ्रू द पावर दिस बैरल ऑफ द गन, इसका मतलब है अगर आपको चेंज लाना है सोसाइटी में, यू हैव टू यूज द वायलेंस, यू हैव टू यूज द फोर्स, ठीक है, तो ये उनका मानना था, तो यही उन्होंने पूछ लिया डायरेक्ट। अब काफी लोगों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन किस पे है, ठीक है, तो इसमें इसको इस इशू को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि पावर, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट था, यू कैन आल्सो राइट इन अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड यू हैव टू आल्सो सपोर्ट द स्टेटमेंट। आप लिख सकते हैं कि नहीं, पावर नॉट ओनली फ्लोस थ्रू दिस बैरल ऑफ द गन, इट आल्सो फ्लोस थ्रू द पेन, ठीक है, बिकॉज पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, तो इस तरह से आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आपको आइडियोलॉजिकल एंड भी क्लियर होना चाहिए, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के क्या आइडियोलॉजिकल एंड है, ठीक है। सो रिलीजियस एंड कुछ और होते हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इज अ रिलीजियस एंड, रिएक्शनरी टेररिज्म, जैसे एक हम देखें तो राइट विंग टेररिज्म आपने सुना होगा, जैसे राइट विंग टेररिज्म, इसमें पानीपत में ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में, ठीक है, वो बोलते हैं कि वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे राइट विंग में आपके हिंदू लोग आ गए, जिसमें कर्नल पुरोहित भी, उनको भी जो स्पेशल कोर्ट है CBI, उन्होंने उनको थोड़ा सा पता नहीं व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, उसका आउटकम मुझे अभी याद नहीं, इसमें प्रज्ञा साध्वी भी इन्वॉल्व थी, देखिए प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट एंड कर्नल पुरोहित, तो दीज आर द राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो एक तरह से जब आपको दिखता है कि टेररिज्म हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट विंग से, तो राइट विंग ज्यादा सक्रिय हो जाता है और राइट विंग स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्ट। उसके बाद देखें तो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है हमारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज अलकायदा, ओसामा बिन लादेन ने खड़ी की थी, 9/11 अटैक कैरिड आउट किया था एंड ऑपरेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान एंड हैड सिंडिकेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज ओसामा, दैट इज 9/11। और उसके बाद देखे तो तालिबान हैज नाउ बिकम अगेन अ प्रोमिनेंट, और इससे क्वेश्चन बन सकता है अफगानिस्तान से, और तालिबान के अंडर जो लीडर था मुल्ला उमर, ये कहीं पे आपको CAPF में नहीं लिखना है, ठीक है, किसी लीडर का नाम कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझिए, क्योंकि इफ यू हैव द बैकग्राउंड नॉलेज यू विल एबल टू राइट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी, क्योंकि हम इसमें मॉडल आंसर में आपको दिखाऊंगा मॉडल आंसर में क्या लिखना होता है, और ये चीजें सिर्फ बैकग्राउंड नॉलेज में काम करती है हमारी, ठीक है, दिस इज द बैकग्राउंड नॉलेज। ओके, तालिबान कैसे बना, क्योंकि इट इज ऑल नोज के US ने स्पॉन्सर किया था टू काउंटर द रशियन हेजेमनी इन द अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने जमीन दी, ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी फॉर द ट्रेनिंग, सऊदी अरेबिया ने पैसा दिया, US ने वेपन दिए, तो खड़ा हो गया तालिबान, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब ओवरटेक हो चुका था अफगानिस्तान में, नाउ द हक्कानी नेटवर्क काम कर रहा अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, बोको हराम एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो कि कहाँ पे एक्टिव है, नाइजीरिया, दे आर अगेंस्ट द वेस्टर्न एंड सेकुलर नॉलेज, ठीक है, बोको हराम को देखेंगे आप, दे आर अगेंस्ट द वेस्टर्न नॉलेज एंड सेकुलर नॉलेज, तो इनके जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं, ये बोलते हैं अगर वेस्टर्नाइजेशन हो गया, वेस्टर्न एजुकेशन आ गई, तो हमारा रिलीजन है जो खतरे में आ जाएगा, तो इनके रिलीजियस एंड है, तो हर एक चीज ऐसे अब्रप्टली नहीं होती, कुछ ना कुछ उसके बैकग्राउंड में होता है, सो दे आर अगेंस्ट द वेस्टर्न सेकुलर नॉलेज। जयालुद्दीन हक्कानी, तो इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं आपको, That is a Boko Haram,
आईएस दावेश भी बोलते हैं, अब तो खत्म ही हो चुका है आईएस। इनका हेड था ये, ओके। और जो जो जिस जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई थी वहां पे बहुत सारी, यूएस ने इन्वाइट किया था और डी थ्रोन कर दिया इराक को, सद्दाम हुसैन मारा गया, तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। और मैंने आपको बोला है जब भी आपकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होती, सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, द वैक्यूम विल क्रिएट, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। वहां पे आ गया आईएसआईएस और दावेश जैसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। इंडिया में किस तरह से टेररिज्म की शुरुआत हुई, हिंटरलैंड टेररिज्म एंड कश्मीर इंसर्जेंसी। देखिए ये है कन्वेंशनल टेररिज्म जो हमने फेस किए हैं 1980s में और 1990s में। अब देखिए हम कश्मीर इंसर्जेंसी पहले उठाते हैं 1989 में। इंसर्जेंसी इससे पहले नहीं थी कश्मीर में, कभी नहीं था कि आउटसाइड से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान ने देखा कि इंडिया इज वे सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी, तो उन्होंने देखा वाई नॉट गो टू अदर स्ट्रेटेजीज, तो उन्होंने प्रॉक्सी वार स्टार्ट किया और एक और आइडियोलॉजी को फॉलो किया कि कट इंडिया और ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 cuts। तो जैसे जो इंसिडेंट्स होते हैं हमारे सेपरेट टेररिस्ट अटैक, वो इसी पॉलिसी का उनका हिस्सा है। 1989 में क्या होता, इलेक्ट्रोल फ्रॉड, आर्टिकल 356 वहां पे लगा दिया, स्टेट इमरजेंसी वॉज इम्पोज, आफ्सपा वॉज इम्पोज, और बहुत सारी सिचुएशन हुई। उसके बाद तीन वॉर हमने पहले ही देख लिए थे पाकिस्तान के साथ 71, फिर 1981 में प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान ने, ठीक है। सो दिस आर द बैकग्राउंड जो है हमारी नॉलेज है। ये क्या है, 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो प्रिंसली स्टेट कुछ नहीं मिल रहे थे, कुछ मिल गए थे, तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो प्लीज अवॉइड इट, ठीक है। कहीं से नहीं पूछेगा हैदराबाद कब हुआ, ऑपरेशन पोलो किया इसके लिए, जूनागढ़ में ऑपरेशन प्लेबिसाइट के अंडर वो एनेक्स किया, कश्मीर में महाराजा हरी सिंह था, नहीं पूछेगा। क्योंकि ये टेंडेंसी है, सीडीएस वाले कैंडिडेट इसको सबसे ज्यादा याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा यही है और उनके जो लेक्चरेट होते हैं एसएसबी के अंडर वो ये क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है ना, ये लेक्चरेट के अंदर ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये सब प्रॉक्सी वॉर में पूछ लिया और उनको डिलीवर करना पड़ता है लेक्चर, लेकिन सीएपीएफ एग्जाम में एसे राइटिंग पे ये सब नहीं आते, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है इंटरनल सिक्योरिटी का, व्हाट इज प्रॉक्सी वॉर अंकित? ओके, देखिए अंकित, प्रॉक्सी वॉर में दो चीजें हैं, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान आर द टू कंट्रीज। पाकिस्तान को पता है कि आई कैन नॉट डिफीट इंडिया इन अ स्ट्रेट फाइट, कन्वेंशनली मैं इंडिया को नहीं हरा सकता, वाई नॉट वी कैन क्रिएट और वी शुड क्रिएट इंसर्जेंसी लाइक सिचुएशन इंडिया में ही पैदा कर दूं, उसी के लोगों को रिक्रूट करूं और वहीं पे एक लड़ाई छिड़वा दूं, ठीक है, दैट इज अ प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर में मेन स्टेट एक्टर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। पाकिस्तान ये बोल देगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, ठीक है, ये आपके ही लोग हैं, आपसे ही लड़ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर ये लोग भी चाहते हैं कि ये एक नैरेटिव बनाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नैरेटिव, कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में मिले, दैट इज द नैरेटिव रन बाय द पाकिस्तान, राइट। तो ये प्रॉक्सी वार है, पाकिस्तान प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड, पाकिस्तान प्रोवाइड्स एम्यूनेशन, आर्म्स, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है किसको, कश्मीरीज को, पैसे, तो ये प्रॉक्सी वार कहलाता है। ओके, अनदर क्वेश्चन, वाई छत्तीसगढ़ हैज लार्ज नंबर ऑफ नक्सलिज्म? ओके दिव्यांशु, देखिए लार्ज नंबर ऑफ नक्सलिज्म, अभी तक देखो हम छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से काउंटर नहीं कर पाए हैं, लेकिन हालांकि जो श्रिंक हो रहा है हमारा जो रेड कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय द नक्सलिज्म, अगर आप प्रेजेंट डेटा देखेंगे तो इट इज अराउंड 60-70 डिस्ट्रिक्ट्स आर नाउअडेज अफेक्टेड बाय द नक्सलिज्म, बहुत श्रिंक हो गया है। जो टॉप मोस्ट लीडरशिप होती थी नक्सलिज्म की बहुत 10 साल पहले, वो लीडरशिप को हमने खत्म कर दिया है, और ये सब चल रहा था, ये लीडरशिप पे ही चल रहा था। इफ यू डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, अगर हम लीडर को ही अटैक कर देंगे तो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी ये वीक हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ में आप पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ में इतना क्यों है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ज्योग्राफी, आप बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी इज सच दैट, जो जंगल वहां के हैं, दैट इज टोपोग्राफी इज सच दैट, तीसरा वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, राइट, डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो है ही,
अगर हम देखें जैसे अब देखते हैं ना फोर्स की आपको जरूरत क्यों पड़ी, जो वहां की जो लोकल पुलिस है छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो क्यों नहीं काउंटर कर पाई नक्सलाइट्स को, क्योंकि वो दे आर नॉट कैपेबल। तो इसके लिए हमने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भेजी वहां पे, मेनली द सीआरपीएफ। सीआरपीएफ ने वहां पे जाके काम किया, लेकिन सीआरपीएफ की भी एक लिमिटेशन है, किसी भी फोर्स की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे, हम अननेसेसरी या फिर ज्यादा से ज्यादा इन नक्सलाइट्स को नहीं मार सकते, क्योंकि दे आर आवर ओन पीपल। ये मैं नहीं कह रहा, दिस आर द वर्डिंग्स क्लियरली सेड बाय गवर्नमेंट एंड द डीजीज ऑफ द फोर्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। इन्होंने भी बोला है कि ये थोड़े से डाइवर्ट हो गए हैं, डाइवर्ट हो गए हैं मेन स्ट्रीम से, तो इनको हम वी कैन नॉट हंट डाउन कंप्लीटली। अगर वो कोई मेजर ऑपरेशन करते हैं आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट तो हम उनको उन पे एक्शंस करते हैं। ये नहीं कि हम डेली निकल रहे हैं ऑन द रूट और चलो आज इनको उड़ा देते हैं, क्योंकि इनको साफ करना, क्लींजिंग करना टोटल, ये इन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बाय हाथ का खेल है। इंडियन आर्मी इज देयर, बट वी कैन नॉट यूज आर्म फोर्सेज और द इंडियन आर्मी अगेंस्ट दिस नक्सलाइट्स। तो हम देख रहे हैं वेट एंड वॉच पॉलिसी का हम यूज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो वेट एंड वॉच पॉलिसी देखे तो कुछ टाइम के बाद हम देखना चाहते हैं कि नक्सलिज्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब हम डेवलपमेंट रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, पुलिस स्टेशन ज्यादा से ज्यादा खोल रहे हैं, और जो प्रेजेंस है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जैसे सीआरपीएफ के कैंप देखेंगे आप, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के कैंप देखेंगे, तो वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सनल। वहां पे हमने बहुत ज्यादा लोग भेज दिए हैं हमारे फोर्सेस के, ठीक है। तो टू मेंटेन द नॉर्मलसी, ये एक रीजन है वहां पे थोड़ा सा नॉर्मलसी आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंडर ही हम देखेंगे काफी जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, गढ़चिरौली और दो तीन और डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉट एबल टू रिकॉल, सबसे अफेक्टेड यही हैं। तो टोपोग्राफी जैसे मैंने कहा है, टोपोग्राफी और एक एरिया जो है हमारा, एक ट्राई जंक्शन बोलते हैं हम छत्तीसगढ़, उसके साथ कौन कौन जुड़ा है, आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना, तो ये एक ट्राई जंक्शन है। और कर्नाटका में भी कुछ है, जैसे ये क्या होता है जब एक फोर्स कोई भी स्टेट की फोर्स उनके पीछे लगती है, ठीक है, उनके पीछे लगती है तो दे एंटर्ड इनटू द अनदर स्टेट, जो टेररिस्ट है और जो सॉरी नक्सलाइट्स है दूसरी स्टेट में घुस जाते हैं। लेकिन उस स्टेट पुलिस का ज्यूरिडिक्शन कितना है उसी की स्टेट बाउंड्री तक का, राइट, तो उसका वो फायदा उठाते हैं, वो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में चले जाते हैं। अगर आंध्र प्रदेश वाले ग्रे हाउंड वाले उनके पीछे लगेंगे तो दे विल एंटर इनटू द छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ वाले लगेंगे दे विल एंटर इनटू महाराष्ट्र, ऐसे वो घूमते रहते हैं। वो एक एरिया है, ठीक है, जहां पे तीनों स्टेट मिलती है, तो उसको एक्सप्लोइट करते हैं, तो इस हिसाब से हम उसको अच्छे से काउंटर नहीं कर पाए। एनी मोर क्वेश्चन सर? टेररिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन था, बोलिए। एक मिनट, हेलो। यस यस गो अहेड। सर जैसे कि टेररिज्म का कोई डेफिनेशन नहीं बोला आपने, तो अगर ऐसे में कहीं लिखना हो तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था द हिंद में, इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें उन्होंने तीन चार डेफिनेशंस दिए थे, जैसे कि कोई थिंकर है गुडिन नाम का, उसका एक अलग सा पर्सपेक्टिव था, एंड एफबीआई के अकॉर्डिंग कुछ अलग था, एंड एफबीआई का ही कोई सबसेक्शन था, उन्होंने दो पर्सपेक्टिव दिए थे, टेररिज्म फ्रॉम अबोव एंड टेररिज्म फ्रॉम बिलो। तो इनमें से मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा इंटरप्रेट करेगा, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय। देखिए इसमें दिस इज, अब अगर आपको टेररिज्म की डेफिनेशन चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो बोल रही है उसको फॉलो कीजिए। दिस इज द डेफिनेशन व्हिच आई टुक डायरेक्टली फ्रॉम द बुक ऑफ आईपीएस अशोक कुमार। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, तो वो आईपीएस है तो कुछ ना कुछ सोच के उन्होंने लिखा होगा, और उनको ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है ये सब डेफिनेशन को क्लियर की जाती है जब वो वहां पे जाते हैं सरदार भाई वल्लभ नेशनल पुलिस एकेडमी में। उसके अंडर जैसे वो टेररिज्म की डेफिनेशन जो ये है सबसे बेस्ट यही डेफिनेशन है, दैट इज द स्टैंडर्ड, और इंडिया इसी को यूज करता है, ठीक है। तो डू नॉट गो बाय द एफबीआई डेफिनेशन, वर्ल्ड वाली उनके बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन, क्या बोलना है, टेररिज्म इज अ सिस्टमैटिक एक्ट to create fear psychosis in the society and to achieve their objectives, that is political, religious or ideological. That khatam, bas ye hai, aur aapko scope nahi hai ki terrorism ki definition aap likh sake, scope milega nahi. Next question, any more question?
हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था जैसे सपोज नक्सलिज्म में अगर कोई ऐसे आया तो मतलब मैं सोच रहा था कि मैं हम ऐसे में इंडिया का मैप बना सकते हैं क्या और फिर वो स्टेट्स को हाईलाइट कर देंगे। राइट, देखिए जैसे जो आप मैप की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, देखिए 2021 में ही आपके सीएपीएफ में पूछा था, इन्फिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। तो मैंने इसमें मैप बनाया है, इफ यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ये आपको दिखेगा। और इस तरह से अगर आप यूज कर पाएंगे पेज को अपने अच्छे से, सिर्फ ये मतलब नहीं है आपने मैप बना दिया इंडिया का एंड यू हैव जस्ट गिवन वन इंफॉर्मेशन, और इसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लिख दिया आपने जो आप उसमें आउटलाइन करके आगे मेंशन करके आगे दिस इज द नक्सलाइट एरिया, सो दैट डजंट मेक अ सेंस। या तो आपका मैप का साइज सिर्फ छोटा होना चाहिए, इतना सा, इतने ग्रुप में आप बनाए, ठीक है, इतने एरिया में आप मैप बना दें, ठीक है, उससे दिखेगा आपकी प्रेजेंटेशन स्किल है, आपको यूज करना आता है पेज। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो आप बड़ा मैप बनाइए इस तरह का, समझ गए। तो जैसे मैंने इन्फिल्ट्रेशन वाला बनाया, इसमें मैंने लिख दिया कि इन्फिल्ट्रेशन होने से क्या क्या, 26/11 यहाँ से मुंबई दिखा दिया मैंने, उसके बाद एलटीटी ग्रुप इन श्रीलंका, यहाँ से इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था, और पीएम राजीव गांधी गोट असैसिनेटेड, ठीक है, वो इन्फिल्ट्रेशन के बाद ही हुआ था। वी हैव सीन द यूरी अटैक आफ्टर द इन्फिल्ट्रेशन, वी हैव सीन द पठानकोट, वी हैव सीन द पुलवामा, और ये सब पाकिस्तान वाला बॉर्डर मैंने कवर कर दिया। उसके बाद मैं कवर करूंगा नेपाल वाला बॉर्डर, नेपाल वाले बॉर्डर पे जैसे पोरस बॉर्डर विद नेपाल, वी हैव पोरस बॉर्डर विद नेपाल एंड द इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये मैंने कहाँ पे कवर कर दिया, ये वाला बांग्लादेश से। तो पोरस बॉर्डर अलग चैलेंज है हमारा नेपाल के साथ, वहां से स्मगलिंग होती है बहुत सारी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। बांग्लादेश वाला इशू, रोहिंग्या म्यांमार से मैंने रोहिंग्या वाला इशू कवर कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने आई ट्राई टू राइट डाउन इन द मैप। अगर इस तरह से आप यूज कर पाएंगे मैप को, रादर देन गिविंग जस्ट वन स्मॉल इंफॉर्मेशन, उसके लिए आपने पूरा मैप बना दिया है, तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? जैसे मतलब सर, ये नक्सलाइट का कोई डायग्राम बनाया तो रेड कॉरिडोर को हाईलाइट कर सकते हैं, और रेड कॉरिडोर पे, रेड कॉरिडोर पे किस स्टेट के बाउंड्री पे, बॉर्डर पे, दैट इज अ रेड कॉरिडोर। हां जी, मतलब जैसे आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड्स हो गया, महाराष्ट्र में सीसीटी कमांडो हो गया, इसमें देखो मतलब फोर्स को मेंशन कर सकते हैं। मैं होता तो आप इसमें पता है कैसे बनाता, कि आई वुड हैव गिवन अ टाइमलाइन, मैं इसमें टाइमलाइन का यूज करता किस तरह से, जैसे ड्यूरिंग 1980s द अफेक्टेड एरिया ऑफ अफेक्टेड एरिया अंडर नक्सलिज्म, तो मैं इस तरह से उसको शेड कर देता, ठीक है, ये हो गया मेरा शेड उसका, किसका, ड्यूरिंग 1980s। उसके बाद मैं दिखाऊंगा इसके अंदर ये ऐसे सर्कल डाल के, अब मैं बता दूंगा प्रेजेंटली द अफेक्टेड एरिया ये, तो दैट मेक्स मोर सेंस, नाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज श्रिंकिंग, तो इस हिसाब से आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हैं ऐसे करके, दोनों एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द नक्सलिज्म इन 1980s एंड दिस इज द नक्सलिज्म इन 2021 और 2022, ठीक है, तो दैट मेक्स मोर सेंस, और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आप दिखा पाएंगे। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? सर बट एक बार मैंने ट्राई किया था, मतलब ऐसे घर पे लिखा था ऐसे अपने मन से, उसमें मैंने बनाया था सर, पर टाइम बहुत लग जा रहा सर, उसमें 25 मिनट खींच गया सर, ऐसे मैं भी 5 मिनट खा गया। हाँ, मैं मान सकता हूँ। तो आपको रफ बनाना है, आपको कम से कम मैक्सिमम 12 सेकंड में आप इंडिया का मैप बनाना सीख जाइए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, मुझे तो लगता है 12 सेकंड में बनाना है ना, ज्यादा ब्यूटिफिकेशन, ये मेरा देख लीजिए कितना गंदा बना हुआ है, ये लग रहा कहीं से गुजरात नहीं लग रहा, नॉर्थ ईस्ट की बात, ठीक है सर, बेटर, ठीक है, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना, ज्योग्राफी ऑप्शनल सीरीज, तो थोड़ा सा उसमें चलता है मेरा, ठीक है। तो देखिए मैप बनाना नहीं भी आया तो सर वो प्लस का साइन बना के लोकेशन मार्क कर सकते हैं। हाँ, आप ये सोच रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, डू हो सकता है, बट थोड़ा सा हल्का सा मैप दिखा देंगे आप, ये बना दो, देखो व्हाट वी डू इन ज्योग्राफी ऑप्शन लिस्ट, दिस हम स्टार बनाते हैं ऐसे, समझ गए,
ये भी नहीं, ये कर सकते हैं आप, यहाँ पे अंकल ऐसे बना दिया और इसके बाद ये एंड ये, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, और यहाँ पे ऐसे आम बना दिया, काइट बना दीजिए, यहाँ पे एक ऐसे एक्सटेंड करके आम बनेगी, यहाँ पे एक सर्कल बना दीजिए और दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, अगर आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में पॉसिबिलिटी है, आप बना सकते हैं मैप, बहुत चांसेस हैं मैप बनाने के, बाकी किसी में अगर आप मैप बनाएंगे नहीं बन सकता, फ्लो चार्ट बना सकते हैं किसी और में, एग्रीकल्चर इशू में आप मैप बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे फार्मर सुसाइड्स अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, और कहाँ कहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, वाटर स्कॉर्सिटी है, वहां पे आप मैप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आप फ्लो चार्ट पे थोड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं, हम तो कहीं और पहुंच गए। तो देखिए क्या हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही, यस सर, है ना। तो ये सब तो आपको पता ही है, क्योंकि अल्टीमेटली 3 घंटे में आपको करना क्या है, ये नॉलेज तो आप एक्वायर कर लेंगे, लेकिन डिलीवर करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें देखो, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हम एक कोई कोई ये वाला टॉपिक उठा लेते हैं, एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। एक कीवर्ड है एमर्जिंग थ्रेट और एक है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। एमर्जिंग थ्रेट के अंदर आपको सोचना है ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ये तो आप एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के थ्रेट होते हैं, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, और एमर्जिंग पे ज्यादा फोकस है। तो अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो बताइए सागर, आप बताइए ट्रेडिशनल थ्रेट्स क्या है हमारे इंडिया के, जो हम बहुत लंबे टाइम तक फेस करते आ रहे हैं। फ्लड्स, साइक्लोन्स, ओके, बट दैट इज नेचुरल, ठीक है। थ्रेट तो वो है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आएगा, दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट। क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है तो थ्रेट हो रहा है, साइक्लोन, ओके। इंटेंसिटी बढ़ रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है साइक्लोन्स की, ठीक है, साइक्लोन आपने बोला, ठीक है। अब देखिए ट्रेडिशनल थ्रेट के अंदर जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी इज देयर, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, टेररिज्म, जो भी हमने पूरा सिलेबस किया है, पूरा आपका क्या है ट्रेडिशनल, बॉर्डर मैनेजमेंट के अंडर, कोस्टल सिक्योरिटी, इन्फिल्ट्रेशन, दैट इज अंडर, कम्स अंडर ट्रेडिशनल, साइबर सिक्योरिटी भी आज का नहीं है, बहुत पहले से चला हुआ है, 2000 से साइबर सिक्योरिटी चली हुई है, ड्रोन अटैक्स, नाउ दे आर द एमर्जिंग, ठीक है, ड्रोन अटैक्स एंड साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, दीज आर द एमर्जिंग वन। अगर मेरे को पता है, मेरे को सारी चीजें पता है, इलीगल इमिग्रेशन बहुत टाइम से हो रहा है लेकिन ये अब बढ़ रही है, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स की बात करें और रीजनल इनइक्वालिटी, रीजनल इनइक्वालिटी नाउ हैज बिकम अ न्यू थ्रेट फॉर इंडिया, रीजनल इनइक्वालिटी। अगर हम देखें एक स्टेट के अंदर ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, दूसरी स्टेट के अंदर नहीं डेवलपमेंट है, तो वो एक बिटर एनिमिटी आ जाती है वहां के लोगों के बीच, आपस में फ्रिक्शन होने लग जाता है दो स्टेट्स के बीच, ठीक है, वो भी एक रीजनल इनइक्वालिटी। अभी आप देखेंगे जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच, अभी हरियाणा ज्यादा प्रोस्परस है पंजाब से और फिस्कल डेफिसिट भी उतना नहीं है जितना पंजाब का है, तो सतलुज यमुना कैनाल को लेके, और साउथ इंडिया में देखें चंडीगढ़ को लेके वो लड़ रहे हैं आजकल, और काफी, हाँ सर मुझे तो सर गुजरात में लगता है मोदी जी सारी चीज गुजरात में ही करते हैं सर, मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ कि बड़ी बड़ी चीजें जो भी खोला है अभी हाल में ही कुछ खोल रखा है, मतलब मेजॉरिटी चीजें सर वो गुजरात में ही करते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। मतलब देखिए आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन देखिए जो इंडस्ट्रीज है वो पागल नहीं है, इंडस्ट्रीज वहां जाती है जहां पे उसको फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता है, फेवरेबल किस तरह का, उसको पॉलिसीज ऐसी मिल रही है, ठीक है, लैंड चीप मिल रहा है, उसके बाद उसको वहां पे क्या देखना है, जो रॉ मटेरियल है वो मिल रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कम मिल रहे हैं, उसके बाद उसे टैक्स हॉलीडे मिल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उसको देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है वहां पे उस स्टेट। व्हाई डोंट दिस इंडस्ट्री डायरेक्टली गो टू जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट और नक्सलाइट्स एरिया, वहां पे क्यों नहीं लगाते इंडस्ट्रीज, ठीक है, इस तरह की, क्योंकि रॉ मटेरियल तो वहीं से आ रहा है सारा, व्हाई डोंट डू दे गो इन गुजरात, लॉ एंड ऑर्डर इज द प्राइम, ठीक है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डेवलप, वही अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं। ओके सर, वो मतलब फेवरेबल कंडीशन भी वही बना रहे हैं, मतलब जैसे कि इंडस्ट्रीज या फिर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो सिटी देखता है पहले, सिटी में क्या है ये, जैसे कि जो नेशनल लेवल
नेशनल लेवल के जो हेडक्वार्टर्स है या रीजनल ऑफिसेस है, ब्रांचेस है जो कि मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के, वो महाराष्ट्र में बहुत थी पहले। अब पिछले 7-8 साल में या तो सब हेडक्वार्टर्स दिल्ली जाती है या अहमदाबाद जाती है। Somebody has written this Sumao has written political stability. Okay, excellent point. Political stability because एक सरकार जाती है तो दूसरी आती है तो they changes their policy. समझ रहे हैं? Policy change हो जाती है, पहले वो industries के favor में थे, अब वो नहीं है, ठीक है? बिजली के दाम बढ़ा दिए और उनको after all I hail from Bengal. Okay, okay. तो ये था हमारा उसका मेन मोटिव। एक आपने इंसिडेंट सुना होगा जब हरियाणा के अंदर मानेसर में ड्यूरिंग द जाट एजिटेशन रिजर्वेशन को लेके था, तो मारुति प्लांट में जो कितनी सैकड़ों गाड़ियां थी उनको आग लगा दी थी। उसके बाद मारुति हैज डिसाइडेड दे विल शिफ्ट देयर होल प्लांट टू द गुजरात, और उसके बाद जो वहां की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी हरियाणा की, उन्होंने हाथ जोड़े मारुति के सामने, प्लीज मत जाइए, कैसे भी करके मत जाइए, यहीं पर रुक जाइए। तो कितना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज द प्राइमोस्ट। सो विनय सेड दैट कैन रीजनल इक्वालिटी बी सीन एज अ पॉजिटिव सेंस? नहीं, रीजनल इक्वालिटी कैन नॉट सीन एज अ पॉजिटिव सेंस, नहीं, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए खतरा है। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए रीजनल इनइक्वालिटी जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है आज, जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है और रेड कॉरिडोर में जो हो रहा है, वो रीजनल इनइक्वालिटी ही है कुछ हिसाब से। वहाँ के लोग दे आर बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ, वहाँ पे डेवलपमेंट देखे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देखे। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है मोस्टली दे कम टू द इंडिया, न्यू दिल्ली आपको में मिलेंगे, बेंगलोर में मिलेंगे, क्योंकि हाँ यहाँ पे उनको काम करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में उनको ज्यादा मिल जाए तो उनसे जो डिसअफेक्शन है, जो वहाँ पे इंसर्जेंसी है, वो सब खत्म हो सकती है। तो रीजनल इक्वालिटी इज नॉट अ गुड थिंग एज पर से। ओके, तो देखिए रीजनल इक्वालिटी हो गया, उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में हम जबकि कोविड 19 के बाद हमने सुना है कि बायोकेमिकल वारफेयर ये भी एक चला हुआ है, कम्युनलिज्म, देखिए नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म हम देखें आज के टाइम में क्या सिचुएशन हो रही है हमारे देश में। कम्युनलिज्म इज ऑन पीक, मुझे लगता है पूरा पीक पे आज के टाइम पे, ठीक है। खारगोन जैसा इंसिडेंट हुआ और पिछले साल ही दिल्ली राइट हुआ था, अब जो यहाँ पे हो रहा है जहांगीरपुरी के अंदर डेमोलिशन ड्राइव हुई है, खारगोन के अंदर डेमोलिशन ड्राइव हो रही है, केरला के अंदर पॉलिटिकल किलिंग हुई है, वेस्ट बंगाल के अंदर पॉलिटिकल किलिंग्स हुई है, ठीक है। और अब फूड हैबिट पे क्वेश्चन हो गए हैं लोगों के, व्हाट शुड दे ईट। उसके बाद लैंग्वेज एक इशू बन गया है, उसके बाद हम देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इशू बन गया है। तो ये इतने सारे चैलेंजेस हैं पिछले 6 महीने में, तो हेट स्पीच एक इशू बन गया है, हिजाब एक इशू बन गया है, ये सारे कितने कम्युनल सेंसिटिव इशूज हैं, दीज आर ऑल कम्युनल सेंसिटिव इशूज। अगर ये प्रिपेयर नहीं किया ना तो सीएपीएफ एग्जाम में पूछा ना पूछा, लेकिन आपके इंटरव्यू में जरूर पूछेंगे सब। तो इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कीजिए, जैसे हेट स्पीच पे आप गिवन समथिंग, कम्युनलिज्म पे आप गिवन समथिंग, लास्ट ही मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हिजाब पे मैंने जो वर्डिक्ट आया है आपका वहां के मद्रास हाईकोर्ट का, वो वर्डिक्ट आपको पता होना चाहिए, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है। तो वहां पे आपको पूरा फाइन बैलेंस लैंग्वेज आपको यूज करनी है, कोर्ट की क्या आउटकम है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो इस हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर अ पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड पिक्चर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो कम्युनलिज्म हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे एक थ्रेट है। पब्लिक हेल्थ इशू के अंडर पेंडेमिक कवर कर लेंगे हम, ठीक है। तो हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, भूल तो नहीं गई ना, इमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन था। हम थोड़ा सा एकदम इस टेंजेंट पे चले जाते हैं, मैं चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, शायद आप भी समझ पाएंगे। सो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट के अंदर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वीमेन पूछा है, सिविल सर्विस में पूछा है, जीएस मेंस में, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वीमेन, तो क्या मतलब हुआ इसका बताइए, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वीमेन,
तो कुछ भी मतलब अपना दिमाग जिंदा रखिए, कहीं से भी कुछ भी कनेक्ट कर लीजिए। अब देखिए रिसोर्स का मतलब सर क्लाइमेट चेंज का वुमेन पे क्या फर्क पड़ता है, जैसे प्यूबर्टी आई मीन मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। सर मुझे लगता है कि सर जैसे रूरल एरिया में जो है वो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर में सर वुमेन डोमिनेटेड है, तो और रूरल एरिया सर क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, तो जो जो एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वो प्राइमरी वर्कर्स हैं और उसमें जो मेनली हमारी औरतें हैं मतलब जो खेती बाड़ी करने वाली। एक्सीलेंट, आपने इसको तो सोचा है, रियल इश्यूज से आपसे इसने कनेक्ट किया है, दीज आर द रियल इश्यूज। बिकॉज जो हमने रिपोर्ट देखी है लेबर फोर्स सर्वे की, उसके अंडर हमने देखा है देयर इज अ स्पाइक इंक्रीज इन द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है और एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस आता है तो वुमेन की जो जॉब है वो तो छूट गई ना, एक चीज ये। ठीक है, उसके बाद जो वुमेन आज के टाइम में जैसे काफी सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रही है, मतलब दे आर ऑपरेटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके अंडर जैसे, और वुमेन का इससे कहां से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज होगा तो देर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर इन सम डिस्ट्रिक्ट, और राइज टेम्परेचर राइज होगा तो इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस होगी, वुमेन की माइग्रेशन पे अफेक्ट पड़ेगा, वुमेन माइग्रेट साइट ना करे या फिर उनको अलाउ ना किया जाए, है ना। हेल्थ इश्यूज होंगे बहुत सारे, हेल्थ इश्यूज होंगे। यू अगेन कनेक्टेड विद अ गुड एस्पेक्ट, हेल्थ इश्यूज। ओके ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। देखिए मुझे लग रहा है ऐसे हम तो कुछ और ही डिस्कशन करने लग जाएंगे। चलो ठीक है, फर्स्ट क्लास है तो हम थोड़ा सा इधर उधर की नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि जितना आपका जिंदा दिमाग रहेगा ना इसमें वो कामयाब है। अब रोट लर्निंग करेंगे और सिर्फ बुक्स पढ़ेंगे तो कोई फायदा है नहीं। जिंदा रखिए दिमाग को, पढ़ते रहिए चीजों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो मैं डायमेंशन दे रहा हूँ सिर्फ इन डायमेंशन को भी आप दिमाग में रख लेंगे तो ये लिख के आ जाइए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, किसी भी टॉपिक में आप फिट कर सकते हैं इनको, ये डायमेंशन को। ठीक है, आपको क्या करना है, डायमेंशन उठाने EMR ये तो लगा ही सकते हैं आप, है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट एमर्जिंग थ्रेट्स। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में रेडिकलाइजेशन एंड फंडामेंटलिज्म, जम्मू एंड कश्मीर में द यूथ हैज, सभी यूथ की बात नहीं करूंगा बट यूथ इज ऑन द वर्ज ऑफ रेडिकलाइजेशन। काफी जो पहले भी देखा हमने रेडिकलाइज हुआ है, तो व्हाट शुड बी योर डीरेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी, क्या होनी चाहिए और रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ कैसे कम कर सकते हैं हम, और वहां पे नॉर्मलसी कैसे ला सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर पे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वी कैन ब्रिंग नॉर्मलसी इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में आपको ये भी एड्रेस करना होगा कि रेडिकलाइजेशन को कैसे काउंटर कर सकते हैं, हाउ वी नीड टू, हमें दूसरा काउंटर नैरेटिव कैसे चलाना है, जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव चला हुआ है वहां पे, ठीक है, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हमें अपने पॉजिटिव स्टेप्स जो लिए हैं उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैटल है दिस इज नॉट ओनली बैटल बिटवीन टू कंट्रीज और सोल्जर्स के बीच नहीं है, ये एक नैरेटिव भी डेवलप होता है। जैसे अगर हम देखें चाइना का ग्लोबल टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर है जो उसी की मतलब गाथा गाथा है, चाइना की इंफॉर्मेशन वॉर कहते हैं उसको, इंफॉर्मेशन वॉर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, तो उसमें वो कोई भी चाइना अगर थोड़ा सा भी कुछ करता है तो उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको एक काउंटर नैरेटिव इंडिया को चलाना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये देखिए ये मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर मैंने इसमें लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी द वे आई हैव प्रेजेंटेड, अगर आप ऐसा भी प्रेजेंटेशन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप एमर्जिंग थ्रेट्स, लिखिए यहाँ पे कौन से, इलीगल माइग्रेशन, पब्लिक हेल्थ इशू लिखिए ब्रॉड हेडिंग, उसके नीचे एक पॉइंट दीजिए जी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पॉइंट लिख लीजिए, क्लाइमेट चेंज एक नई हेडिंग दीजिए एमर्जिंग थ्रेट्स में, क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, फूड सिक्योरिटी इशू, डिजास्टर लाइक उत्तराखंड ग्लेशियर आउटबर्स्ट, ठीक है दैट इज अ थ्रेट, और चामोली डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था और डैम का फेलियर और ग्लेशियर आउटबर्स्ट जो हुआ था, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंडर नारकोटिक सप्लाई टू यूथ, दैट इज अगेन एमर्जिंग थ्रेट्स, 26 मुंबई 11 अटैक बाय दाऊद, दैट इज एमर्जिंग थ्रेट्स, इसमें देख सकते हैं आप इस तरह के थ्रेट्स। ओके, तो दिस इज द वे यू शुड राइट। अब आते हैं हम बॉर्डर मैनेजमेंट पे,
बॉर्डर मैनेजमेंट पे हम विनय जी की थोड़ी हेल्प लेंगे, थोड़ा सा इनसे पूछेंगे. विनय, अगर आप इफ यू कैन टेल अस के बीएसएफ के अंडर अभी आजकल आज के टाइम में क्या हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान साइड से, कुछ चेंजेस हुआ है इन्फिल्ट्रेशन में? सर जैसे बीएसएफ दो मेनली लैंड बॉर्डर को कवर करता है, पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर, तो दोनों साइड में बॉर्डर मैनेजमेंट का जो मतलब तरीका है वो अलग अलग है. जैसे मेनली हमें पाकिस्तान बॉर्डर पे मिलिटेंसी का इन्फिल्ट्रेशन होता है, मिलिटेंसी इन टर्म्स ऑफ वेपन्स भी मतलब ट्रेसपास होता है, हीरोइन यानी ड्रग्स नार्कोटिक्स भी होता है और इटसेल्फ मिलिटेंट भी होता है ट्रेसपास. और ये मेनली जो मतलब यूथ के लिए भी, इंडिया के यूथ के लिए भी ड्रग्स बर्बाद करता है और मिलिटेंसी जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करती है नेशन को. और बांग्लादेश बॉर्डर पे हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट रहता है वो मेनली छोटे छोटे क्राइम होते हैं, वो उतना सेंसिटिव नहीं है, उनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है. लाइक वहाँ पे जो कफ सिरप हो गया, अल्कोहल हो गया, कफ सिरप मींस फेंटनिल बोलते हैं उसको, अच्छा अल्कोहल हो गया या मेनली कैटल्स का स्मगलिंग होता है. ओके जी, वो एक्चुअली में बांग्लादेश में बैन है अल्कोहल और वो, ठीक है, तो मेनली इधर इतना ग्रेविटी नहीं रहता है, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर पे बहुत ग्रेविटी रहता है. आपने कहाँ पे सर्व किया बीएसएफ? उसी सेंस में हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बीएसएफ में. कहाँ? अभी सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर पे है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे. ठीक, सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर, वेस्ट बंगाल मालदा. ठीक, मालदा. ओके, क्यों मालदा से मैं आई कैन कोरिलेट, क्योंकि हमारे यहाँ से एक मालदा एक्सप्रेस जाती थी न्यू दिल्ली के साथ, यहाँ से मालदा एक्सप्रेस. हाँ, फरक्का, डेफिनेटली सर, फरक्का. ओके, पहले उनको फरक्का, फिर उनको मालदा कर दिया, उसका नाम तो चेंज हो गया. जी ठीक है, तो देखें यूपीएससी सीएपीएफ 2020 में ये क्वेश्चन था, सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी. देखिए उसी से क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं. देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हुई है, कुछ ना कुछ उस टाइम पे हुआ था 2020 में. क्या हुआ था इफ एनीबॉडी कैन टेल, जो जो ये क्वेश्चन पूछा 2020 में हुआ था. दो क्वेश्चन आए थे आपके 2020 में इन सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर. गलवान इंसिडेंट कब हुआ था? एनीबॉडी नोज द डेट? गलवान हुआ था June 5, 2020 को. June 5, 2020 को हुआ था, है ना, कोविड के टाइम पे, आफ्टर द कोविड. March 21, 22 को नेशन वाइड, 23 को नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था. 5 जून या फिर 4 जून को गलवान इंसिडेंट हुआ था और इससे आपका जो एग्जाम है पोस्टपोन हुआ था, फिर आपका दिसंबर में लिया था. ठीक है, तो वो जो इवेंट हुआ था, जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है दिसंबर में. ठीक है, क्वेश्चन है सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन आर्म फोर्सेज. तो कोई भी बड़ी चीज घटती है तो उसी पे यूपीएससी की आदत है क्वेश्चन पूछने की. बस आपको देखना होना चाहिए, नजरिया आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक हमारी नेशनल बाउंड्री है. ठीक है, उसी को चैलेंज करना, उसको उसी को गार्ड करना, सिक्योर करना हमारे लिए चैलेंजिंग है. किस तरह से चैलेंजिंग है, हम सिंपल बात करते हैं चाइना बॉर्डर की. ठीक है, चाइना बॉर्डर पे वाई इट इज मोर चैलेंजिंग, डायमेंशन वाइज सोचेंगे, यस, एल्टीट्यूड वाइज, टोपोग्राफी वाइज इट्स अ चैलेंजिंग. सेकेंड, जो हमारे रिलेशनशिप है चाइना के साथ, दैट इज एसिमेट्रिकल. चाइना इज वे सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, राइट. तो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर पे जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज वे फार बेटर देन इंडिया, राइट. उनका जो रोड कनेक्टिविटी है, उनका जो हाईवे है, एंड मैं भूल गया उसका जो हाईवे है, जीवन ऐसा कुछ करके, ठीक है, वो हमारा दौलत बेग बेगी ओल्डी सेक्टर के पास से बिल्कुल जाता है, तो उसको नेशनल हाईवे है, तो उनकी मोबिलाइजेशन चुटकियों में हो सकती है बहुत जल्दी. ठीक है, तो एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप है, चाइना की इकोनॉमी अच्छी है. Somebody has reason, सर अब वो बुलेट ट्रेन ले आए हैं. हाँ, उनके पास सोल्जर्स जो है बुलेट ट्रेन में आते हैं, तो आपको पता है बॉर्डर पे बुलेट ट्रेन में वो आते हैं ड्यूटी करके, बुलेट ट्रेन में चले जाते हैं. ठीक है, तो ये देखने को मिलता है हमें चाइना के साथ. तो मैंने क्या क्या बोला, टोपोग्राफी इज अ चैलेंज, दूसरा आई हैव सेड के एसिमेट्रिकल कैपेबिलिटीज विद चाइना, सेकंड इज
थर्ड इज हमारा पॉलिटिकल और मिलिट्री जो हमारा डोमेन है, क्योंकि पॉलिटिकली वी हैव अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद चाइना. कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बोले तो कहीं पे हमारे कन्वर्जेंसेस हैं, कन्वर्जेंस है, मतलब कुछ चीजों में हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज हो रही है तो उसमें हम एक जैसा सोचते हैं. वो क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर रशिया को सपोर्ट हो गया, पैसिव सपोर्ट हो गया, या फिर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, उसमें रिफॉर्मेशन की बात हो गई, या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो गई. तो यहाँ पे हम और चाइना एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, लेकिन वी हैव अ डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस कहाँ पे? कुछ एक इश्यूज में, जैसे सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में, जैसे साउथ चाइना सी के अंडर जो चाइना कर रहा है उसमें हमारे डाइवर्जेंस हैं. इंडियन ओशन में आके जो चाइना कर रहा है वहां पे हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर हो रहे हैं. वहां पे हमारे और चाइना के क्या है, डाइवर्जेंसेस है, वहां पे कन्वर्जेंस नहीं है. जो श्रीलंका में कर रहा है, हमारे नेबरहुड में आके जो कर रहा है, श्रीलंका, मालदीव्स, इनको इकोनॉमिक सपोर्ट करके डेब्ट ड्राफ्ट में लेके आके, म्यांमार के अंडर जो मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के अंडर ग्वाडर पोर्ट या फिर सीपैक जैसा बना के, दैट इज अगेन अ डाइवर्जेंस. तो चाइना के साथ हमारा ये है. डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, इंडिया और चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो वी आर डूइंग अराउंड मोर देन 100 बिलियन यूएस डॉलर जो हमारी ट्रेड है उनके बीच हो रही है. और इंडिया का जो डेफिसिट है वो 60 US डॉलर बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है आफ्टर द गलवान इंसिडेंट, उसमें भी राइज हुआ है. तो दैट शोज हाउ डिपेंडेंट वी आर ऑन चाइना फॉर द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. तो वी कैन नॉट कम्प्लीटली डिनाई चाइना सपोर्ट, या फिर चाइना को हम एकदम से खत्म नहीं कर सकते, बॉयकॉट नहीं कर सकते. चाइना से हमारा बहुत सारा माल आता है रॉ मटेरियल के. तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी. इन सब चीजों को हम किस तरह से इन फ्यूचर खत्म कर सकते हैं अपनी डिपेंडेंस. अभी जो एक देखेंगे आत्मनिर्भर भारत करके, सेल्फ रिलायंट इंडिया करके एक इम्पोर्टेंट हमने मिशन चलाया है, जिसके अंडर हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे चाइना पे. और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जैसे चाइना एक मेजर हब बन गया है ग्लोबल सप्लाई चेन का, ठीक है. तो चाइना से बहुत सारी रॉ मटेरियल इंपोर्ट होते हैं, तो कैन वी फाइंड अ अल्टरनेटिव. तो ये सब लोगों देशों ने सोचा आफ्टर द पेंडेमिक, क्योंकि चाइना पे सब डिपेंड थे. चाइना के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता था क्योंकि चाइना से उनका रॉ मटेरियल आता था. तो आपको पता है कि मतलब इस तरह से कोई सिचुएशन हो जाए तो आप उसके अगेंस्ट, जैसे रशिया पे हम डिपेंडेंट हैं, मिलिट्री हार्डवेयर हमारा 70% रशिया से आता है. तो रशिया के अगेंस्ट वी कैन नॉट वोट, वहां पे हम वोट नहीं कर सकते, चाहे वो कितने ही ह्यूमन राइट्स या फिर कोई भी क्राइम कर दे, तो रशिया के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते. दैट इज अगेन बहुत ही जैसे डिपेंडेंसी हमारे उसके. और ये चीजें हम अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमें कोलैबोरेट करना होगा दूसरे देशों के साथ, जैसे सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव, जिसके अंडर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इन्होंने एक अल्टरनेटिव सोचने की कोशिश की है कि चाइना को हम बायपास करेंगे और एक नया जो एक हमारी चेन बनाएंगे, एक सप्लाई चेन बनाएंगे जिसमें चाइना को हम बायपास कर देंगे, तो एक बैलेंस बन सकेगा देश दुनिया में, ठीक है. तो ये है इन चीजों का डिपेंडेंस. अगर हम अपनी चाइना पे खत्म कर देंगे, अगर हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा लेंगे, कैपेबिलिटी का मतलब इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, ठीक है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देंगे. आईटीबीपी के अगर आज भी पोस्ट देखें हम, तो काफी पोस्ट ऐसी हैं जो अबेंडेंड हैं, काफी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है. और जैसे आई नो पर्सनली लोगों को कि जिनका वेट 90 प्लस होता था फोर्सेज में, आज वो 70 या फिर 65 वेट रह गया उनका आफ्टर द गलवान वैली इंसिडेंट. इतनी हार्ड वहां पे लाइफ है. और ठीक है, तो जो चाइना जो प्रोवाइड कर रहा है वहां पे, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, उनके जो चैम्बर्स हैं इस तरह के चैम्बर्स हैं. तो हमें अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सुपीरियर करना पड़ेगा वहां पे. और सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अपनी कैपेसिटी और इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को इतना रोबस्ट करना होगा कि हम आने वाले टाइम पे चाइना पे डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है. ये सब चीजें कैसे कर सकेंगे हम, कोलैबोरेशन करके डिफरेंट लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ. Somebody has written a message. पटना में एक SSB कैंप रेलवे ब्रिज के नीचे है. देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, रेलवे ब्रिज के अंदर एक SSB का कैंप ऑपरेट कर रहा है. तो गवर्नमेंट इतना भी खर्चा नहीं कर पा रही कि उनको एक कैंप मुहैया करा दे.
अच्छे से, तो हमें अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है और ये इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट, इसमें टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे अगर हमारी विल अच्छी है, हमारी इंटेंशन अच्छी है, तो हम कर सकते हैं। तो दोबारा से थोड़ा क्वेश्चन स्पेसिफिक देखते हैं, ये भी क्वेश्चन स्पेसिफिक ही था क्योंकि चाइना के अगेंस्ट हम कितना डायरेक्ट एक्शन ले लेंगे चाइना के अगेंस्ट। कम्प्लीटली बॉयकॉट नहीं किया, हमने सिम्बोलिक बॉयकॉट किया था गलवान वैली के बाद, कुछ टिकटॉक जैसी ऐप हमने बैन कर दी थी, कुछ एक एप्लीकेशन और बैन कर दी थी, लेकिन इम्पोर्ट तो हमने सब्सटीट्यूट नहीं कर पाए ना अभी तक, चाइना से ही इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट शोज द डिपेंडेंसी, चाइना को हम कम्प्लीटली बॉयकॉट नहीं कर सकते। ओके, कीवर्ड देखिए सबसे पहले, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, व्हाट आर द कीवर्ड्स, कीवर्ड है सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर एक ही नहीं है इंडिया का, कितने सारे इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, 6-7 कंट्रीज है, सबका पता होगा। उसके बाद सिक्योर करना है उनको, और वो चैलेंजिंग कैसे एक्सरसाइज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स, लैंड वाटर एयर, तो सबको पता है वाटर बाउंड्री हम बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, वाटर बाउंड्री है हमारी म्यांमार के साथ, और इसके साथ भी हमारा श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, उसके बाद एयर, उसके बाद है लैंड, पाकिस्तान के साथ बनाते हैं चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो अफगानिस्तान के साथ बनाते हैं, वो पॉलिटिकल बाउंड्री है, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अफगानिस्तान के साथ। तो ठीक है, आप लिखिए ना लिखिए अफगानिस्तान का, लेकिन आई हैव मेंशनड। उसके बाद देखते हैं व्हाई इट इज चैलेंजिंग, चैलेंजिंग क्यों है ये, जैसे हमने बात की है नेचुरल और मैन मेड, दो तरह के चैलेंजेस हैं ये। जैसे टोपोग्राफी के अंडर नेचुरल, देखिए अगर हम बीएसएफ का पूरा देखें, बीएसएफ कहाँ से कहाँ ऑपरेट करता है, गुजरात से रन ऑफ कच्छ से शुरू हो जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे रन ऑफ कच्छ मार्शी लैंड, उसके बाद हम देन वी एंटर्ड इनटू राजस्थान, वहां पे डेजर्ट एरिया, देन वी एंटर्ड इनटू पंजाब प्लेन्स, वहां पे खुले मैदान है पूरे पूरे पंजाब प्लेन्स में, उसके बाद वी एंटर्ड इनटू जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे बर्फ पड़ती है, तो बीएसएफ का कितना एरिया होगा। तो ये पाकिस्तान बॉर्डर से हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बॉर्डर पे डेजर्ट भी मिलेगा आपको, माउंटेन भी मिलेंगे, रिवर राइन भी, हाई एल्टीट्यूड सियाचिन भी होगा, और ये है नेचुरल, ये है नेचुरल चैलेंजेस। अगर हम बात करें तो मैन मेड, पाकिस्तान के साथ हमारा अनडीमार्केटेड बॉर्डर है, ठीक है, ये मैन मेड इश्यूज हैं। अनडीमार्केटेड बॉर्डर होने के कारण से हॉस्टिलिटीज है दोनों नेशंस के बीच, डिस्प्यूट्स हैं, और जो नेचर है बॉर्डर का वो है पोरस, पोरस बॉर्डर है, मतलब कुछ एक एरियाज ऐसे है जो फेंस नहीं किए गए अभी तक, फेंस उस पर पॉसिबल है ही नहीं फेंसिंग, क्योंकि वो रिवर के ऊपर है, रिवर के जैसे झेलम इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसको आप कितना ही फेंस कर सकते हैं। तो टेररिस्ट वहां से आते हैं ड्यूरिंग समर्स, उनकी कोशिश होती है कि विंटर से पहले, बर्फ गिरने से पहले वो एंटर कर जाए, बिकॉज अगेन बर्फ गिरने के बाद इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द बॉर्डर। और ऑर्गेनाइज क्राइम देखे तो ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, फेक करेंसी, सब होता है ये, दिस आर द चैलेंजेस। ये है आपका फ्रेमवर्क इस क्वेश्चन का, आपका फ्रेमवर्क है नेचुरली सोचना है हर एक बॉर्डर को, पाकिस्तान बॉर्डर को, नेपाल, चाइना, हर एक बॉर्डर को इसके हिसाब से सोचना है, मैन मेड ये सोचना है, पोरस बॉर्डर, ऑर्गेनाइज क्राइम, चाइना से क्या ऑर्गेनाइज क्राइम आ रहा है, चाइना के साथ हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम का कोई इशू है नहीं। ठीक है, एक दो पास है गिने चुने यार, नथुला जो पास हो गया यहाँ पे सियाचिन सिक्किम के अंदर, सॉरी, उसके बाद थोड़ा सा हिमाचल में किन्नौर के लिपू लेक पास हो गया। ठीक है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बाद वहां पे मैंने आईटीबीपी कैंप देखा था, इतनी हाइट पे, आई वाज एस्टोनिश्ड कि आईटीबीपी इतनी हाइट पे काम कर रही है। ठीक है, उसके आगे देखा होगा आपने, और उसके बाद देखते हैं, ये इंफॉर्मेशन है सिर्फ, पाकिस्तान से हमारी इतनी बाउंड्री है, रेड क्लिफ लाइन है, somebody has written Vinay Srivastav, okay. Smuggling of Chinese goods is a major concern. Okay, smuggling of Chinese goods. But China से directly हमारा smuggling नहीं होता, वो third party का use करते हैं. Either they can smuggle through Nepal, either they can smuggle through Sri Lanka or Maldives. यहाँ से smuggling करना चाहते हैं वो Myanmar से, फिर Bangladesh से. If you can tell us, Vinay, कहाँ से वो smuggling की कोशिश करते हैं? Nepal mainly. Okay. तो हाँ, वो बाईपास करके नेपाल, चाइनीज जो गुड्स है वो नेपाल के थ्रू इंडिया में एंटर करता है। अब देखते हैं हम पाकिस्तान का इशू है रेड क्लिफ लाइन। देखिए ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए कि इतना बॉर्डर है हमारे पास, मेंशन करे तो करे वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन रेड क्लिफ लाइन जो है ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये सेटल्ड है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो सकती।
लेकिन दूसरी जो है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो है वो है 110 किलोमीटर की, जो कि हमारी कहाँ से शुरू होती है, हमारा एक तो एनजे 8914 ऐसा कुछ नाम है एनजे, वहां तक खत्म होती है 110 किलोमीटर एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अगर दोनों ने दोनों सेना आमने सामने है और जो एरिया होल्ड कर रखा है उसके बाद वो लाइन बन गई LOC 776, ये भी कंटेस्टेड है दोनों के बीच। उसका देखे तो एक्शन टेंशन सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, LOC और AGPL पे, सियाचिन वाली लाइन पे, यहाँ पे स्क्रिमिशेस इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट यहीं से होते हैं और टेररिस्ट लॉन्च पैड इसके अक्रॉस ही हैं। और इसको गार्ड कौन करता है, BSF प्लस इंडियन आर्मी को गार्ड करती है। एरिया ऑफ ऑपरेशन मैंने बता दिया, रन ऑफ कर्च, डेजर्ट्स, पंजाब प्लेन, कश्मीर और टेररिस्ट अटैक्स आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन, ये सभी टेररिस्ट अटैक थे। उसके बाद डायलेमा क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स क्यों बनती है चीजें, कॉम्प्लेक्स इसीलिए बनती है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। अब हम पाकिस्तान को बोलते हैं मुंह तोड़ जवाब दे दो, हम दे देते हैं, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप ऐसे हैं, मिलिट्री को खुला हाथ दे रखा है, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन ऐसा हमारा चाइना के साथ नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ वी हैव एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप, चाइना के साथ एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप है। हमें पता है कि चाइना कुछ चीजों में स्ट्रोंगर है, तो उस हिसाब से हमारे मिलिट्री जो है हम ज्यादा एंगेज नहीं होते मिलिट्रीली चाइना के साथ। नॉट अ सिंगल शॉट हैड बीन फायर्ड सिंस लास्ट 30 and 40 years, बहुत साल पहले हुआ होगा, लेकिन गलवान वैली इंसिडेंट में हुआ, एरियल शॉट फायर किए गए, इंडियन आर्मी ने किए थे एरियल शॉट फायर। तो ठीक है, ये इसलिए किया था क्योंकि वहां पे सिचुएशन हमारी इस तरह से है। तो हम अगर चाइना के साथ इन्वॉल्व होते भी हैं तो पॉलिटिकल और मिलिट्री डोमेन में होते हैं। सबसे पहले हमारी जो डिप्लोमेसी है वो एक्शन में आती है, चाइना के साथ डिप्लोमेसी कम्स इनटू एक्शन। देन हम हॉटलाइन एस्टेब्लिश की है मिलिट्रीज के बीच दोनों, तो वहां पे कोप कमांडर लेवल टॉक होती है, कोप्स कमांडर लेवल टॉक टू रिजोल्व द डिस्प्यूट्स। और हम बात करें तो मीटिंग्स होती है हमारी, 14th लेवल मीटिंग, ये कितनी सारी हमें मीटिंग होगी, मालदो में मीटिंग हुई थी 14, 15, 16, 17, इतनी सारी मीटिंग हो सकती है, 15 मीटिंग होगी शायद, ठीक है, कोर कमांडर लेवल टॉक। और धीरे धीरे वो एक बिल्डअप हो रहा है दोबारा से कॉन्फिडेंस हमारे दोनों आर्मीज के बीच। इतना जल्दी नहीं है कि एकदम गलवान इंसिडेंट हुआ और वी बैक्ड ऑफ, डिसएंगेजमेंट हो जाएगा दोनों फोर्सेस के बीच, इतना जल्दी नहीं होता, ट्रस्ट बिल्डिंग में टाइम लगता है, तो आने वाले 1-2 साल तक और चलेगा ये, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ हमारा क्या डायलेमा है, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन। अभी हम आपको पता है कि इंडिया ने रिमूव कर लिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग था पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान के पास है नहीं, अब पाकिस्तान का निकल गया पीतल, ठीक है, उनके पास कुछ इकोनॉमी उनकी डाउनटर्न है, कुछ भी उनके पास नहीं है, और अब तो उनकी पॉलिटिक्स भी चेंज हो चुकी है वहां पे, तो न्यू गवर्नमेंट आई है, तो वो अपने इकोनॉमिक रिलेशंस इंडिया के साथ बेटर करना चाह रहे हैं। तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो स्टेट जो टैग था, शायद इंडिया वापस दे दे उसको, या फिर ना भी दे तो जो इंपोर्ट टैरिफ इंडिया ने बहुत ज्यादा लगा रखे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उस इंपोर्ट टैरिफ को हम कम कर सकते हैं। तो ये जो एक सिचुएशन है, या तो हम नेशनल सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दें कि भाड़ में जाए पाकिस्तान, हमें कोई रिलेशनशिप इसके साथ रखना नहीं है, ना ही इकोनॉमिक और किसी तरह का। दूसरा है, अगर हम उस पर ट्रेड इम्पोजिशन लगाते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं, तो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस या फिर ट्रेड जो है एक तरह से हैम्पर होगी, क्योंकि हमारा काफी कॉटन जो है वो पाकिस्तान में हम देते हैं, काफी जो चीजें हैं जो हम चीप चीजें हैं, डेट्स हो गए या खजूर हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, राइस हो गई, ये भी हम चीजें पाकिस्तान से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, काफी चीजें कुछ एक टाइम पे। तो दिस इज द डायलेमा, दैट्स व्हाई इट्स मेक अवर मैनेजिंग दिस बॉर्डर्स अ चैलेंजिंग टास्क। तो इतना स्कोप नहीं होगा कि आप ये सब चीजें लिख के आ जाएं, बट थोड़ा थोड़ा आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या मैं सोच सकता हूँ उसके बारे में। सो आई एम गिविंग यू द ब्रॉड स्ट्रक्चर, आई एम गिविंग यू द डायमेंशंस। तो कोई भी डायमेंशन आप इसमें उठाइए जो आपको लगता है आई एम कंफर्टेबल विद इट, तो इस डायमेंशन का आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये जानना है कि UPSC किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने बहुत ही मतलब इसमें काम करके और मैंने सोचा है कि दिस शुड बी द टॉपिक, और इसको ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं, इस डायरेक्शन में अगर सोचेंगे तो आपका आधा काम वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है।
अगेन चाइना बॉर्डर, इतना लैंड बॉर्डर है हमारे पास चाइना के साथ, 4056 किलोमीटर। LOAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द बोन ऑफ कंटेंशन। तीन फ्रंट पे हम चाइना के साथ लड़ रहे हैं, वेस्टर्न लद्दाख, मिडल ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश है जो ट्राई जंक्शन है, इंडिया, भूटान एंड चाइना। यही नेचुरल चैलेंजेस तो आपको पता है, टोपोग्राफी और ये सब। मैन मेड चैलेंजेस है अगेन अनडीमार्केटेड बॉर्डर जो है हमारा, पूरा जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, अगर हम देखें कौन सा एरिया है, गलवान इंसिडेंट हुआ था वहां पे, दैट इज द अनडीमार्केटेड एरिया, और वो हमारा वेस्टर्न सेक्टर में लाई करता है, लद्दाख सेक्टर में। उसके बाद पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, चाइना की अलग है, स्ट्रेटेजिक नीड हमारी अलग है, चाइना की अलग है। स्ट्रेटेजिक नीड देखे तो चाइना की BRI के अंडर वो काफी काम कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना का है, ग्वादर पोर्ट्स उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंदर है, श्रीलंका का अम्बनटोटा पोर्ट उन्होंने ले लिया है, मालदीव्स में काफी जो उन्होंने किया है इधर उधर उलट पुलट, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट देखे, धोकलाम हुआ था 2017 में, गलवान हुआ था, सो ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इकोनमी इज एम्पायर, अगर आपकी इकोनमी बढ़िया है तो आप ही राजा हैं। चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5 गुना है, ठीक है, $15 trillion, दैट इज द इकोनॉमी ऑफ चाइना। इंडिया की तो 3 शायद पहुंच गई अभी, 2.9 थी कुछ टाइम पहले, तो 3 क्रॉस कर लिया होगा, तो इतनी इकोनॉमी है। तो जितनी ज्यादा आपकी बड़ी इकोनॉमी, फॉर द मोर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सस्टेन अ वॉर। अब रशिया की इकोनॉमी इंडिया से भी कम है, ठीक है, तो रशिया के अब लेने लग गए हैं, इधर से उधर घूम रहा है सभी देशों में कि प्लीज डू नॉट स्टॉप बाइंग द फ्यूल, फ्यूल खरीदते रहिए। इंडिया को S-400 टाइम से पहले डिलीवर कर दिया उसने, ठीक है, S-400, और ये भी बोला कि मैं दूसरा एडवांस भी दे दूंगा आपको, S-400 से जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी मैं आपको दे दूंगा, सस्ते दामों पर आपको तेल दे दूंगा, ये सब, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वॉर और भी ज्यादा चल सकता है। उनको उनको लग रहा था कि 10 दिन के अंदर हम यूक्रेन को जीत लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। सो नाउ द इकोनॉमी कम्स इनटू पिक्चर, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जबकि चाइना की स्ट्रॉन्ग है, US की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, फॉर द मोर लॉन्गर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सस्टेन द वॉर। ओके, तो चाइना को किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज अवर सर्विलियंस टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, वी कैन इंक्रीज अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे विनय ने बताया कि बॉर्डर आउटपोस्ट हम बना सकते हैं, रोड कनेक्टिविटी हम अच्छे कर सकते हैं, ब्रिजेस। अब इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आफ्टर द गलवान वैली इंसिडेंट इतने सारे ब्रिजेस पे काम किया है कि सभी जो ब्रिजेस शायद उन्होंने स्पोर्ट दिस वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में काफी ब्रिजेस का कंप्लीशन कर दिया है, ठीक है। और चार धाम यात्रा रोड डिबेट पे आपने देखा होगा कि जो चार धाम रोड की जो विड्थ थी वो भी उन्होंने इंक्रीज कर दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। सो फॉर द स्ट्रेटेजिक नीड वो रोड हमें चाहिए था। उसके बाद देखे तो चाइना के साथ हम और क्या भी कर सकते हैं, जैसे माउंटेन स्ट्राइक कोप जो है 60,000 आदमी इसमें है माउंटेन स्ट्राइक कोप में, ठीक है, स्पेशली ट्रेन्ड इन द माउंटेन वॉरफेयर, वो कोशिश की थी हम जल्दी से जल्दी बना लें अगेंस्ट चाइना। और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जो हमारा CDS बिपिन रावत जी ने बोला था कि दे शुड बी अ मोर इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज, इंटीग्रेशन पे काम चला हुआ है अगर हमें चाइना को काउंटर करना है। और क्या बायलेटरल मैकेनिज्म हो सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए या फिर उसके साथ कन्वर्जेंस लाने के लिए? Somebody has written a message. अंकित ने लिखा स्ट्रेंथन क्वाड, ओके, यू वांट टू पुट प्रेशर ऑन चाइना थ्रू क्वाड, ठीक है, लेकिन चाइना तो कह रहा है क्वाड इज अ न्यू नाटो इन एशिया। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द क्वाड, ओके, अब क्या कहेंगे, मतलब दिस क्वाड इज अ न्यू, उसे कहने दो सर, ओके, ठीक है। इंडिया भी बहुत तेज है, इंडिया चाणक्य लगा लो आप, इंडिया डायरेक्टली नहीं आता कभी खुल के क्या ये बोल दे कि इंडिया को बोलने में क्या जाता है कि दिस इज अ सिक्योरिटी कन्वर्जेंस, दिस इज अ सिक्योरिटी ग्रुपिंग, ठीक है, इंडिया को क्या जाता है बोल दे। गलवान वैली इंसिडेंट होने के बाद भी इंडिया अगर ने अगर नहीं बोला कि सिक्योरिटी ग्रुपिंग है ये हमारी क्वाड, और नहीं तो हम आने वाले टाइम में सिक्योरिटी ग्रुपिंग बना देंगे, तो क्या जा रहा था, नहीं चाहता इंडिया इस रीजन को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता इंडिया। इंडिया भी समझदार है, ये सब जो बैठे है ना US, ये जो इतना भला दिख रहा है आपको है नहीं US, और इधर से जैसे क्वाड के अंदर आपका जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, US इंडिया और चाइना को भिड़वाना चाहता है,
कैसे ना कैसे करें, वेस्टर्न कंट्रीज भी कहते हैं एससीओ एक एशियन नाटो है। ओके हाँ, तो जो वेस्टर्न मीडिया है और वेस्टर्न कंट्रीज है उनको एशिया की राइजिंग ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही, एशिया राइज कैसे कर रहा है, ठीक है, उनको पसंद नहीं आ रहा कि एशिया इज राइजिंग। तो कैसे ना कैसे करके, जैसे एशिया के अंडर दो शेर हैं अभी, इंडिया और चाइना, तो एक छत के अंदर दो शेर तो रह नहीं सकते गुफा में, तो कैसे ना कैसे करके या तो उनको सीखना होगा दोनों को एक साथ रहना, या फिर उनको टेरिटरी बांटनी होगी कि तो इस टेरिटरी में भाई तू मत आ, इसमें तू मत आ। तो somebody has written अंकित, TVI तो सर रशिया के साथ रिलेशनशिप जरूरी है तो लिमिट चाइना, तभी तो रशिया, सर रशिया के साथ रिलेशनशिप जरूरी है तो लिमिट चाइना। ओके तो आप बोल रहे हैं कि हमारे रशिया के साथ जितने अच्छे संबंध होंगे तो हम चाइना को उससे काउंटर कर सकेंगे, क्योंकि चाइना, दिस रशिया कैन पुट प्रेशर ऑन चाइना, राइट, क्योंकि वीटो फ्रेंड होना चाहिए आपका, P5 जो कंट्रीज है उसमें से एक फ्रेंड होना चाहिए टू यूज द वीटो, और चाइना, रशिया ने 1971 में वीटो यूज भी किया है इन द फेवर ऑफ इंडिया। तो इस तरह के हमें चाहिए दोस्त। ठीक है, तो आते हैं बाकी से, दोबारा बायलेटरल मैकेनिज्म पे बात कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं, ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर सकते हैं डिस्प्यूटेड एरियाज पे, जो पीपी पॉइंट 14 है और 16 है जहां पे इंडियन आर्मी को स्टॉप कर दिया है पेट्रोलिंग से, उस पर हम ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर सकते हैं, ज्वाइंट ग्रुप बना सकते हैं, तो दैट इज आल्सो अ गुड सजेशन। नेपाल का देखिए SSB कार्ड करती है, यहाँ पे स्मगलिंग जैसी सिचुएशन है नेपाल में, अभी जो यूनिलेटरल चेंज इन द मैप, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन वही बनता है, जो मैप चेंज किया है यूनिलेटरली नेपाल ने, उसके बाद से हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि चाइना हैज वीन्ड अवे द नेपाल फ्रॉम इंडिया, चाइना चुरा के ले गया है नेपाल को इंडिया से कुछ हद तक, लेकिन यू कैन नॉट डिफाइ द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज सच दैट कि नेपाल इंडिया पे डिपेंडेंस कम नहीं कर सकता किसी भी हिसाब से, ज्योग्राफी ऐसी है, क्योंकि ज्योग्राफी, नेपाल इज ए लैंडलॉक कंट्री, ओके, नेपाल इज ए लैंडलॉक कंट्री, और इंडिया से अगर या फिर उसको कुछ इंपोर्ट करना होता तो वेस्ट बंगाल के थ्रू ही जाता है, वो जो वहाँ पे पोर्ट है फरक्का पोर्ट या फिर हुगली पोर्ट, वहां से होके नेपाल को जाता है, लेकिन चाइना ने उसको एक नया वो दिया है पोर्ट, के विल गिव यू द पोर्ट, डेडिकेटेड पोर्ट देंगे हम नेपाल को, लेकिन नेपाल पागल थोड़ी ना है कि इतना दूर से जो कॉस्ट बढ़ेगी उसकी फ्यूल की, शिपिंग वहां पे जाएगी, वहां से फिर ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू लैंड रूट, तो कीमतें तो आसमान छू जाएंगी ना, ऑलरेडी क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो नेपाल को कैसे ना कैसे करके समझना पड़ेगा कि इंडिया इज अ गुड कंट्री, इज अ फ्रेंडली नेबर, तो नेपाल पे तो जो चाइना पे थोड़ी डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी। सागर का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई, या फिर बोल रहे हैं दैट्स व्हाई जी जिनपिंग रिसेंटली सेड देयर इज नीड ऑफ यूनिटी इन एशियन कंट्रीज टू काउंटर वेस्ट। ओके नाइस, सो सर हमारे उत्तराखंड में नेपाल के लोगों से शादी होती है? हाँ होती है, रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा उत्तराखंड और नेपाल के बीच, हिमाचल में भी आपस में शादी होती है। विश्वंता गगराई है सेड नेपाल के साथ इंडिया का रोटी और बेटी का रिश्ता है, हाँ बिल्कुल। तो देखिए हमारा रामायण सर्किट भी है नेपाल के साथ, जिसमें हम जो रामायण सर्किट है हमारा, हमने एक बस सर्विस भी चलाई है, और नेपाल ये कहता है कि राम का जन्म नेपाल में हुआ था, अयोध्या में नहीं हुआ था, तो ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सी है, और नेपाल काफी चीजें बोलता है कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें जो कि उसको नहीं बोलनी चाहिए, और इंडिया ने भी उसकी लेग पुल की थी इन 2016 जब इंडिया ने उसका इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया था इंडिया ने नेपाल पे, जब उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन हो रही थी, जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, और जो इसके अंदर दो मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आपको देखा होगा उनके बीच पावर स्ट्रगल चला रहता है हमेशा, मधेशी एंड एक और है जो हिल एरियाज में रहते हैं, एक मधेसी एक हिल एरियाज में रहते हैं जो अलीट है, तो उनके बीच हमेशा पावर स्ट्रगल रहता है। अंकित इज रिटर्न, सीता माता नेपाल से थी शायद, जनकपुरी से, ओके नहीं मैं अवेयर नहीं हूँ बट ऐसा सुना है। विनय हैज सेड के सर नेपाल इज ऑलवेज इन प्रॉफिट
इट हैज बोथ द साइड फ्रॉम इंडिया एज वेल. यस विनय, आपने बहुत सही बोला है. तो नेपाल क्या करता है या फिर जितनी भी स्मॉल स्मॉल कंट्रीज है इंडिया के नेबरहुड में, दे प्लेस द चाइना कार्ड. वो चाइना कार्ड को प्ले करती है. अगर मालदीव को कुछ आप आंख दिखा दो तो मालदीव बोलेगा आई हैव चाइना, आई विल गिव प्रोजेक्ट्स टू चाइना, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मैं चाइना को दे दूंगा. श्रीलंका को कुछ आंख दिखा दो तो दे विल प्ले द चाइना कार्ड. नेपाल का कुछ कह दो चाइना कार्ड. म्यांमार कुछ बोल दो. अब इतना इतना कुछ हुआ है म्यांमार के अंदर, वहां पे सिविल राइट्स हुए और जो वहां की आर्मी ने जो रोहिंग्या के ऊपर क्या क्या नहीं किया, ठीक है. जब भी इंडिया चुप रहा, दे डिड नॉट कंडेम दैट पर्टिकुलर एक्ट. उनको पता है कि नेपाल की इसकी म्यांमार की जो फोर्स है और जो आर्मी है वो चाइना की गोद में बैठी है, बस तैयार है. और चाइना तो चाहता ही है कि इंडिया कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे जिससे वहां की जो जो अभी जो प्रेजेंट मिलिट्री है वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाए. तो इंडिया इस तरह की डायलॉग बाजी से बचता है, ठीक है. तो इंडिया बस यही कहता है कि नॉर्मलसी शुड कम, बस इस तरह से डिप्लोमेटिक आंसर करता है, इस तरह से डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देता है, ठीक है. तो देखिए बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया हमारा. बांग्लादेश आप कवर कर सकते हैं. म्यांमार इस टाइम इंपॉर्टेंट है, तो वी विल टॉक अबाउट द म्यांमार. तो थोड़ा म्यांमार बात कर लेते हैं. ओके, म्यांमार बात करते हैं. दिस इज द लैंड बाउंड्री वी हैव. असम राइफल को मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको काउंटर करने के लिए. असम राइफल के जो एक कर्नल थे, उनका भी एक एम्बुश के अंडर जो वहां पे इंसर्जेंट्स ग्रुप थे, उन्होंने एम्बुश के अंडर उनको मार दिया था. तो दैट वाज अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ठीक है. आसाम राइफल से थे वो, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है. तो ये इंडियन इंसर्जेंट्स ग्रुप्स जो है ये कहाँ पना लेते हैं, म्यांमार में जाके छुप जाते हैं. अगर इंडियन आर्मी कुछ ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं तो म्यांमार में जाके दे हैव द सेफ हाउसेस. बट हमने उनका म्यांमार में पीछा नहीं छोड़ा. एक हॉट परसूट हुआ था 2017 में हुआ था. हॉट परसूट क्या हुआ था, 2017 के अंदर एक डोगरा रेजिमेंट के लोग वहां से जा रहे थे, नागालैंड में थे, कौन सी स्टेट थी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट थी. डोगरा रेजिमेंट के लोग जा रहे थे, 17 आदमियों को एम्बुश किया उन्होंने. तो बहुत सारे जो हमारे मिलिट्री ट्रक थे तो इंसर्जेंट्स ने एम्बुश किया और 17 जो जवान थे हमारे डोगरा रेजिमेंट के वो मारे गए. एनएससीएन खापला. ओके, तो ये न्यूज मिलने के बाद वी हैव डिसाइडेड वी विल कैरी आउट अटैक ऑन दिस इंसर्जेंट्स ग्रुप. तो हमने इनको विद इन द 48 आवर्स में ही ढूंढ के खत्म कर दिया. और म्यांमार को भी भनक नहीं लगी. म्यांमार को हमने आफ्टर वी कैरिड आउट द ऑपरेशन, उसके बाद म्यांमार मिलिट्री को हमने इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ हम करके आ चुके हैं, तो उसको साफ सफाई कर देना. ऑपरेशन सूर्य किरण इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके यस, पूरी अटैक आल्सो सर. यस दिव्यांशु, पूरी अटैक बिकॉज वी हैव द कैपेबिलिटी. ओके, तो ये अब करते हैं फ्रेमवर्क की बात. म्यांमार पे कुछ क्वेश्चन आता है तो आपका, ठीक है. तो म्यांमार पे जैसे मैनमेड इश्यूज क्या है, मैनमेड चैलेंजेस है आपके, इंसर्जेंट्स ग्रुप एनएससीएन, उसके बाद हॉट परसूट, डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज वहां पे, जो डेमोग्राफिक इक्वेशंस है, डेमोग्राफिक इक्वेशंस चेंज हो गई आफ्टर द माइग्रेशन. जब म्यांमार से या फिर बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स हैं वो इंडिया में एंटर कर गए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में जो डेमोग्राफिक इक्वेशंस है वो चेंज हो गई है. वहाँ पे जो कल्चरल जो बोलते हैं कि वी आर फेसिंग थ्रेट्स टू आवर कल्चरल, जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो बंगाली मुस्लिम्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, ठीक है. तो उनके अगेंस्ट उनको बिटर एनिमिटी है. वो सोच रहे कि जो दीज आर द बंगाली मुस्लिम जो यहाँ पे आ रहे हैं, दे आर टेकिंग आवर जॉब्स, वो उनकी जॉब्स ले रहे हैं वहां पे, वो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं कुछ ना कुछ. तो उनको वो बिल्कुल रास नहीं आ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को. सो अगेन इंसर्जेंसी इज देयर. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हमें जो पता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है. ये छोटी छोटी आउटफिट जो है, ये आउटफिट्स हैं हमारे यहाँ इंसर्जेंट्स आउटफिट्स, ये भय का माहौल हमेशा वहां पे पैदा करती है क्योंकि उनको स्मगल करना पड़ता है ना बहुत सारा गुड. जो आप एफसीआई के गोडाउन देखते हैं ना, वहां पे केरोसिन जाता है या फिर वीट जाता है, राइस जाता है, वो सब के सब वहां से वो लूट लेते हैं और फिर उसी को मेन मार्केट में पैसों में बेचते हैं. जो अनाज लोगों को थ्रू पीडीएस मिलना चाहिए था उनको वो लूट लेते हैं, फिर मेन मार्केट में उसको पैसे से बेचते हैं.
दिस इज हाउ इट्स वर्क्स. सो इंसर्जेंट्स कुछ इस हिसाब से, और जो आपका गोल्डन ट्राइंगल है, ठीक है, ओपियम की जो ट्रेड है, आर्म्स की जो स्मगलिंग है, वो इंसर्जेंट्स के बिना नहीं हो सकती. सो इंसर्जेंट्स इज अ मीडियम, ठीक है. अगर किसी को थाईलैंड से या फिर जो ये कंट्री है आशियन कंट्री, यहां से ओपियम भेजना है आपको, कहां पे, अफगानिस्तान, तो दीज इंसर्जेंट्स एक्ट एज अ मीडियम. ये उनसे ले लेंगे क्या आर्म्स एंड एमुनेशन, इन रिटर्न दे विल टेक, और जो ओपियम की सप्लाई होगी, जो ड्रग्स होगा, वो अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तक पहुंचा के आ जाएंगे कैसे ना कैसे. सो दीज आर दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्ट एज अ मीडियम. सोल्यूशन क्या हो सकता है, नागा पीस एकॉर्ड है और फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी एनएससीएल 2015 में द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज साइंड अ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट विद दिस इंसर्जेंट्स ग्रुप्स एनएससीएल. अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन अग्रीमेंट हमने किया था. उसके बाद मोर कनेक्टिविटी विद मेनलैंड इंडिया, अगर ये हम कर पाए ना, ये मोर कनेक्टिविटी, तो इससे बहुत सारी सिचुएशन हमारी क्या है, हल हो जाएंगी. मोर कनेक्टिविटी, जैसे अभी हम वी आर कनेक्टेड ओनली विद द दिस स्मॉल पैच ऑफ लैंड जो हमारा वहां पे है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं. अगर हमने सपोज कीजिए इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, अगर चाइना वहां पे उस एरिया को कब्जा ले जाता है, दिस इज अ मैक्सिमम 15 किलोमीटर ऑफ लैंड, 15 किलोमीटर का वो कॉरिडोर है. तो 15 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता अगर फोर्स जब मूव करती है तो, ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में 15 किलोमीटर वो हासिल कर लेते हैं. ड्यूरिंग यू मस्ट हैव सीन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड, जर्मनी की जो मोबिलाइजेशन थी, आज तक वो रिकॉर्ड मोबिलाइजेशन है, जो जिस हिसाब से उसने टैंक और जो आर्टिलरी ये सब चीजें उसने मोबिलाइज की, दिन रात वो हमेशा मूवमेंट में रहते थे. तो उन्होंने कुछ ड्रग्स भी ली थी उनके सोल्जर्स ने, अगर आपको आपने कभी डॉक्यूमेंट्री देखी हो, दे टुक अ ड्रग, क्या आइबोफ्रिन, एड्रेनलिन समथिंग, जिससे वो थकते नहीं थे उनके सोल्जर्स, उनको कितना ही काम करा लो वो थकते नहीं थे. तो इस तरह की उनका मतलब लास्ट में ब्लेसिंग इन डिसगाइज ऐसे हुआ था कि उनका वॉर जोन खत्म होने के बाद एक दूसरे को मार के मर गए थे सब. अच्छा ठीक है तो हो गया था एड्रेनलिन का. ओके ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब था वो थकते नहीं थे, और वहां पे उनको इस तरह की डोज भी दी गई कुछ, ठीक है, तो एड्रेनलिन समथिंग. तो ये था, तो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे थे म्यांमार के साथ. कनेक्टिविटी इज ओनली थ्रू दिस चिकन नेक कॉरिडोर, बट वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज, लाइक हम म्यांमार से कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, उसके थ्रू हम पहले तो हम शिप लेके जाएंगे कालाधन पोर्ट पे, वहां पे डॉक करेंगे, वहां से हम रोड के थ्रू वी विल एंटर इनटू द त्रिपुरा से हमारा रेलवे लाइन पूरा बन जाएगा. सो दिस इज अ मल्टी मॉडल प्लान. अगर इन केस हम वो एरिया इन फ्यूचर, मतलब आपको सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट सोचने पड़ते हैं, तो वहां से कनेक्टिविटी का क्या होगा, तो एक ही एरिया हो सकता है. दूसरा, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस, अगर हम ट्रांजिट राइट बांग्लादेश से मिल जाए, ट्रांजिट राइट, कि इफ पाकिस्तान एंड दिस बांग्लादेश वुड अलाउ अस टू पास थ्रू देयर कंट्री टू द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, पाकिस्तान अभी बांग्लादेश ट्रांजिट राइट हमें नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये सब चीजें. उसके बाद मैरिटाइम बॉर्डर्स चैलेंजेस, ये सब भूटान के साथ है, भूटान का क्वेश्चन बनता नहीं है, छोड़िए. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बॉर्डर मैनेजमेंट, और ये पूरा समराइज है. इन्फिल्ट्रेशन आर ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी. ओके, ये देखिए मॉडल आंसर है, सभी आपको एप्लीकेशन में है, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं. सागर कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, वो एक म्यांमार और इंडिया का, इंडिया बॉर्डर का एक क्वेश्चन था मेरा. वहाँ पे जो लोकल लोगों को, मतलब ट्राइबल लोगों को मूवमेंट के लिए एक ये दिया है ना, सर पैसेज आई थिंक एफआर है, तो कुछ फ्री मूवमेंट है जी, मतलब आप बोल रहे ट्रैवल के लिए उनको कोई परमिट. हाँ जी, मतलब म्यांमार और इंडिया बॉर्डर पे. हाँ इनके, हाँ आप जो बोल रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ, जो उनको ना कल्चरल टाइज इनके इतने अच्छे हैं कि म्यांमार के कुछ फैमिलीज जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न फैमिलीज के साथ, इनके भी रोटी बेटी का रिश्ता है, और
इनको वो कुछ पास है, इनका वीजा की जरूरत नहीं पड़ती आने जाने के लिए, कुछ एक डेजिग्नेटेड एरिया है वहां से वो आ सकते हैं बॉर्डर आउटपोस्ट में, ठीक है, वहां से वो मूवमेंट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी वीजा। तो वीजा फ्री उनकी मूवमेंट होती है। कुछ एक एरिया दिया गया कि 15 किलोमीटर, मतलब इस एरिया में कुछ आपको जरूरत नहीं है, आप कैसे भी आए कैसे भी जाए, फ्री ट्रांजिट राइट है इंडिया और म्यांमार के बीच। तो ये है, क्योंकि एक फेमस डायलॉग है, ये नदियां पवन के झोंके ये सब क्या है, मतलब फ्रीली बहते हैं ये सब, ठीक है, हर एक चीजें फ्री बहती है, नदी हवा, लेकिन ये इंसान ही है जिसने इस सरहदों को बनाया है, ठीक है, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज इन्होंने ही बनाई है। तो इंडिया और म्यांमार के बीच ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज आफ्टर द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस उसके बाद बनी है, लेकिन जो इनके कल्चरल टाइज थे, जो इनकी फैमिली बॉन्डिंग है, जो इनकी एथनिक बॉन्डिंग है, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से। तो ये इनका माइग्रेशन आना जाना बहुत पहले से लगा होता, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए तो इन्होंने उनको राइट दे दिए, ठीक है। ओके, देखिए कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल एंड। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन, मैं तो और भी पढ़ा सकता हूँ अगर आप तैयार हैं तो। तो हालांकि कुछ इसमें बचा नहीं है, ये सब आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या है, स्मार्ट सिटी, क्योंकि देखो आपने क्वेश्चन तो देख लिया, पूछा क्या है, पूछता ये है आपसे एप्लीकेशन पाथ पूछता है, आपसे कोई फंडामेंटल नॉलेज तो पूछ नहीं था, हर एक आपसे एप्लीकेशन चीजें पूछा है, एमर्जिंग थ्रेट, सिक्योरिंग इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट आई विल कवर, कल आपके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का ही मैं पूरा कवर करूंगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ग्लेशियर आउटबर्स्ट पे आया है आपका, और फ्लड पे क्वेश्चन आया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट क्या, रिसीडिंग ग्लेशियर्स आया हुआ है ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टली भी पूछ लिया है सिस्टम इन इंडिया, सो टुमारो आई विल टॉक अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऑल आर एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक, तो ये आपको करने हैं। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये जो क्लासेस मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, डू नॉट थिंक कि ये जो स्पेशली समाधान बैच के स्टूडेंट्स नहीं है तो दे आर नॉट रेलिवेंट, दे आर इक्वली रेलिवेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इक्वली रेलिवेंट है, उसी से आपको डेटा उठाना है, वहीं से आपको समझना है, कोई भी क्लास मिस मत करिए। देखिए अब हमारा क्या रहेगा, अब वो टाइम नहीं है कि मैं डिलीवर करूंगा हर एक चीजें और आप उसको समराइज करेंगे या फिर आप पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम। 3 महीने और 15 दिन कुछ बचे हैं आपके सीएपीएफ एग्जाम में, और इसमें जितना भी मैं करा रहा हूँ, अगर आपकी जीरो प्रिपरेशन है एटलीस्ट ये कर लेंगे तो, और प्रेजेंटेशन स्किल पे मैं आपका काम कराऊंगा तो आपका काम चल जाएगा। 85+ आप अभी भी स्कोर कर सकते हैं, 90+ आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं काफी बैच 2 में जो 3 में एनरोल हुए थे दिसंबर में जनवरी में, तो वो तो एक एज पे आ गए, उनको एज है आपकी, आपसे ज्यादा एज है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहती है और सेक्शनल टेस्ट उसके हो गए हैं उन सभी के, तो उनको एज तो है, लेकिन आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा हर एक चीज को, मतलब जितना हो सके पढ़ना पड़ेगा, और फिर हम आपके आंसर राइटिंग पे काम करेंगे। 25 तारीख को आपका टेस्ट है, कल डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है, पोस्ट कर दूंगा मैं। तो ये सब चीजें आप खुद से रीडिंग करिए, और जितना हो सके जो मैंने पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उन्हीं को देखिए बार बार, बस लिखना सीख लीजिए, इस एग्जाम में लिखना आ गया ना और कुछ नहीं है। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हैव गिवन अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी, विश्वनाथ कह रहे सर एसे को फ्रेम करने में प्रॉब्लम होती है इवन दो आई हैव स्टैट्स इन डेटा। ओके, ऐसे फ्रेमिंग में आपकी दिक्कत होती है, आप जिस दिन ऐसे लिखेंगे तो मैं पर्सनल फीडबैक आपको दूंगा ना, तो वन टू वन इंटरेक्शन विल बी देयर, ठीक है। तो वन टू वन इंटरेक्शन आप एनी टाइम यू कैन कॉल और हम वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे, तो ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है। लाइव सेशन रखेंगे हम हर एक का ऐसे, इस बार हम थोड़ा चेंज करेंगे, सबके ऐसे एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे सर, स्टार्ट कैसे करें ये सब हम डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। आज तो हमने ओवरव्यू दिया था, कल हम डिस्कस कर लेंगे स्टार्ट कैसे करें, वी विल टेक वन और टू टॉपिक्स, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट ये वाला टॉपिक आप बना के आना, होमवर्क है, आप होमवर्क नहीं लेंगे तो काम नहीं करेंगे। देखो कल सबका एक टॉपिक है प्लीज आपके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट इस बार भी इम्पोर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, ये आपको इस पे 300 वर्ड में एक टॉपिक लिख के आना है, और वी विल डिस्कस दिस। सबका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे आपस में देखेंगे, जितना एक दूसरे का देखेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। एक दूसरे का इंट्रोडक्शन अच्छा देखेंगे, और हम इसमें
ठीक है, मिल बांट के काम करेंगे तो बेटर रहेगा। विश्वनाथ सर मैंने टेलीग्राम में एसे सेंड किया हुआ है आपको, हाँ मैं वो भी देखूंगा, तो मैं क्लास की ही थोड़ी पीपीटी वगैरह तैयार कर रहा था तो उसमें बिजी था, अभी कर देंगे आपको। ओके सो शुड वी एंड द सेशन? कोई नहीं बोल रहा है ना? यस सर। ओके सो एनी मोर क्वेश्चन? तो मैं एंड सेशन एंड करूंगा। कुछ सो तो नहीं गई आप में से? सर मैं पूछ रहा था कि जैसे पेपर वन और सर जैसे दिन बहुत कम बचे हैं तो हमें पेपर वन की भी रिवीजन लगानी है, तो सर कैसे मैनेज करें मतलब एक दिन में दोनों सब्जेक्ट्स? देखो मैं तो आपको सिर्फ क्लास लूंगा शाम को 9 बजे, उसके उसमें 9 बजे से पहले आप दिन में 1 या 1.5 घंटा अपना पेपर 2 का पढ़ सकते हैं, 2 घंटा मैक्सिमम, 2 घंटे आप अलार्म भर के बैठ जाइए, 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़िए क्योंकि इतना ही बहुत है पेपर 2 के लिए, ठीक है इस टाइम पे, क्योंकि पेपर 1 इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, पेपर 1 इज मोर स्कोरिंग, लोगों के 160 नंबर आ रहे हैं पेपर 1 में, 160 नंबर, आपको एटलीस्ट पेपर 2 में 95 प्लस लाने की कोशिश करनी है अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है। तो ये नहीं कि आप पेपर 2 में बिल्कुल कुछ भी ना स्कोर किया और पेपर 1 में आप 170 स्कोर कर रहे हैं तो जब भी बात नहीं बनेगी, तो 160 या फिर 150 प्लस इसमें, 85 या 94 प्लस पेपर 2 में, और इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू, वहां पे भी आपको 95 मार्क्स लेके आना पड़ेगा एवरेज, तो आपको अगर आना है इफ यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो 2 घंटे पेपर 2, मैं तो आपका जैसे डिफाइंड है शेड्यूल, अब हमारी क्लास होगी नेक्स्ट कल होगी, फिर 26 को होगी, फिर 25 को आपका टेस्ट है, तो इस बीच आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है, यही मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा सभी के सभी, ये आप पढ़ सकते हैं। ओके मेनली फोकस रखना है पेपर 1 पे, थोड़ा सा दिन में पूरा 6 घंटे वो पढ़े, 2 घंटे ये पढ़े, और शाम को क्लास के लिए आ जाया करिए और टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, दिस इज द वे, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत है नहीं, ज्यादा बर्डन लेंगे तो दिमाग कम काम करेगा। ओके विनय सर प्लीज रिपीट ऐसे टॉपिक, कौन से ऐसे टॉपिक? सर पेपर 2 के मार्क्स पता नहीं चलते सर, कैसे पता करें कितने नंबर मिले हैं इन एग्जाम में? आपने कौन सा एग्जाम दिया था? तो जब पता चल सकता है विनय आप कौन से, आप माइक खोल के बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। SWS होमवर्क ऐसे टॉपिक रिलेटेड टू DM, दैट इज द टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया 2015, ये टॉपिक आपको करना है डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ये मत सोचिए कि ये एग्जाम में पूछ लिया है तो दोबारा नहीं पूछेगा, थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ UPSC डिमांड्स, उसी डायरेक्शन में आपको सोचना है। सर आई आस्क फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। ओके ओके ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं, विल मीट टुमारो। ओके गुड नाइट, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। यस सर गुड नाइट। यस सर ओके गुड नाइट। गुड नाइट सर। Thank you. Yeah, most welcome.